हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, दैट इज चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और हम टॉपिक कवर कर रहे थे सम एप्लीकेशंस, आप देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 24, सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बच्चों देखिए, इस टॉपिक में कोई फॉर्मूला नहीं है, करेक्ट, आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी रहती हैं, ठीक है, उनसे आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, करेक्ट, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पेज नंबर 24 पे दिए गए एग्जांपल नंबर 5 और ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसकी हेल्प से और एग्जांपल नंबर 6 की हेल्प से हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसके क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 7 से, ठीक। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन बच्चों, देखिए अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां से आपको क्लास 8 का मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। हर एक कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप एक काम करिए बच्चों, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है, जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको इस चैप्टर के पहले के भी वीडियोस मिल जाएंगे, या अगर आप इसके पहले के चैप्टर यानी कि रैशनल नंबर को पढ़ना चाहते हो तो पिन कमेंट में वो चैप्टर भी बच्चों आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर देखिए आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें बच्चों व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर 750 नोट करें बच्चे, व्हाट्सएप नंबर 7503644171, इस नंबर पे बच्चों आप व्हाट्सएप करोगे तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज कॉल मत करिएगा, हमारा एक और भी चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए बच्चों 2 पाई क्लासेस, ओके स्टूडेंट्स। इस चैनल को आप सर्च करोगे ना तो यहां 9 से क्लास 12th के स्टूडेंट्स का बहुत ही क्वालिटी कॉन्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अपलोड किया था। मैंने जस्ट इन्फॉर्म करा, क्या पता आपके कोई बड़े भाई बहन हो, ओके। तो ये चैनल भी आप सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होगा, ठीक है बच्चों, ओके। सो इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए अगर आपको क्लास 8 के मैथ्स के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के या चैप्टर के, ओके स्टूडेंट्स। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सॉरी, नाउ एग्जांपल नंबर 7 देखिए बच्चों, इट इज गिवन ऑन एनसीईआरटी पेज नंबर 25। कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। बच्चों ध्यान दो, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, साहिल्स मदर मतलब देखो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब साहिल की मदर की एज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साहिल की मदर की जो एज है वो क्या है, इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, मतलब साहिल की प्रेजेंट टाइम में, मतलब आज साहिल जितने भी ईयर का है उसकी मदर की जो एज है साहिल की एज का 3 टाइम्स है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है ना, ओके। एक एग्जाम्पल जस्ट दे रहा हूं बच्चों, मान लो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, करेक्ट। मान लो बच्चों कि अगर साहिल की प्रेजेंट एज 13 है ना, ये साहिल की एज है, ठीक, ऐसे जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है ना। साहिल अगर बच्चों आज 13 ईयर्स का है, लेट अस से, ठीक, तो इसकी मदर होंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो मदर्स की बच्चों प्रेजेंट एज होगी इसकी, पता है कितनी, साहिल की जितनी एज है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 13 को हम 3 से, यानी कि साहिल की एज को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, 39 ईयर्स, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, ओके। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन बच्चों पूछा हुआ है क्या कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज, अच्छा दी गई कंडीशन है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड टू 66 ईयर्स, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। देखो बच्चों इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, मतलब समझो देखो वो बात कर रहा है साहिल्स मदर एज इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, मतलब समझो जब तक आपको साहिल की एज पता नहीं चल जाएगी तब तक उसकी मदर की नहीं पता चलेगी। ऑब्वियसली मान लो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था साहिल की एज कितनी थी, 13, भाई जब मैंने आपको साहिल की एज बता दी थी बच्चों तभी तो आप उसकी मदर की बताओगे ना, क्योंकि मदर की जो एज है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साहिल की एज के ऊपर डिपेंड कर रही है ना भाई। जब तक साहिल की एज नहीं पता चलेगी तब तक मदर की नहीं पता चलेगी, क्यों, क्योंकि मदर की एज साहिल का 3 टाइम्स है ना बेटा। तो साहिल को तो पहले पता करो कि साहिल की एज क्या है, तभी तो साहिल की एज को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी मदर की एज पता चलेगी। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन में सर्च करना है कि किसकी एज हमें पता होनी चाहिए और किसकी एज के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो पता हमें साहिल की होनी चाहिए यहां पर, करेक्ट। अब सुनो, पता तो वैसे भी नहीं है और जो चीज नहीं पता रहती उसको हम एक्सअज्यूम कर लेते हैं, करेक्ट। तो लेट, सबसे पहले हम अपनी कॉपी में लिखेंगे बच्चों, ध्यान दें सॉल्यूशन में, हमने लिखा लेट द प्रेजेंट मतलब आज के टाइम में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल
बी एक्स। माना कि साहिल की प्रेजेंट एज कितनी है बच्चों, x है। अब एक बात बताओ, अब साहिल की देखो प्रेजेंट एज अगर x है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज अब तो बता दोगे हा? क्या करेंगे, साहिल की जो एज है उसको हम 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x। मतलब x के टर्म्स में हमने साहिल की प्रेजेंट एज बता दी और उसकी मदर की प्रेजेंट एज साहिल का 3 टाइम्स है, यानी कि साहिल की एज को 3 से मल्टीप्लाई करो, x को 3 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 3x। मतलब मदर की एज प्रेजेंट एज 3x है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उसने आपको क्वेश्चन में बोला है कंडीशन कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर। मेरी एक बात को ध्यान से सुनिएगा ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ो, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। मतलब समझो, इसकी मदर की प्रेजेंट एज 3x है और साहिल की x है। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें किसी तरीके से तो वो साहिल की प्रेजेंट एज होगी और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी मदर की आ जाएगी, ठीक है। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, कैसे टेबल बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं बच्चों। आपकी एनसीईआरटी में भी ये टेबल बच्चों बनी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट एज की, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिएगा, ये देखिए बच्चों, यहां पर हमने बात करी किसकी, प्रेजेंट एज की। ओके, किसकी प्रेजेंट एज, यहां पे हम लिखेंगे बच्चों साहिल की प्रेजेंट एज, यहां पर हम लिखेंगे उसकी मदर की प्रेजेंट एज, ठीक है ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी है एक्स, चेक करो प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी है एक्स है। उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, साहिल की एज को 3 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 3 इंटू एक्स 3x, करेक्ट। तो उसके मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 3x। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, उसने क्या बोला बच्चों, उसने बोला कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल ऐड टू 66 ईयर। मतलब समझो, आफ्टर 5 ईयर्स मतलब आज के 5 साल के बाद, तो हम प्रेजेंट एज के बाद यहां लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, एक रो हम बनाएंगे प्रेजेंट एज की, एक रो हम बनाएंगे आफ्टर 5 ईयर्स की। अब एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है ना उसको छोड़ो, पहले आप खुद का दिमाग लगाओ, क्या आफ्टर 5 ईयर्स, बच्चों एक बात बताओ, आज आप कितने साल के हो, आज आप मान लो 12 ईयर्स के हो, ठीक है। टुडे प्रेजेंट में बच्चों, मान लीजिए प्रेजेंट में आप 12 ईयर्स के हो, कितने के हो 12 ईयर्स के हो, ठीक। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये बताओ बेटा, आप आफ्टर 5 ईयर्स कितने साल के हो जाओगे, आफ्टर 5 ईयर्स आपकी एज क्या होगी, आज के 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी। तो जवाब है सर, एक काम करेंगे सर, 12 में 5 ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही, यानी कि 12 में हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 17। मतलब आज के 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स आपकी एज 17 होगी कि नहीं होगी। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूं कि साहिल की प्रेजेंट एज कितनी है एक्स है, तो बताओ साहिल 5 साल के बाद कितना हो जाएगा उसका एज, भाई 5 साल के बाद साहिल कितने एज का हो जाएगा। तो जवाब है जितनी उसकी एज है उसमें 5 ऐड कर दो, सिंपल है बच्चों। भाई साहिल की एज प्रेजेंट एज साहिल की कितनी है एक्स ईयर्स, करेक्ट। ओके, और यहां पर हम लिख देते हैं एजेस इन ईयर, ये सब हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ये सब हम नहीं लिख रहे हैं, मान लेना कि भाई एक्स जो है ईयर्स में आ रहा है, सब एजेस ऑब्वियसली ईयर्स में होती है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान सुनो, प्रेजेंट एज साहिल की कितनी एक्स ईयर, तो बताओ आफ्टर 5 ईयर साहिल की एज कितनी फिल करें, यहाँ पर बताइए एक्स प्लस 5। बच्चों चेक करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, देखो जैसे आपकी प्रेजेंट एज आज कितनी है 12 ईयर, तो 5 ईयर्स के बाद आप कितने के हो जाओगे, 12 प्लस 5 करोगे ना 17 आएगा, ठीक। उसी तरीके से साहिल की प्रेजेंट एज एक्स है, तो आज के 5 साल के बाद वो कितना होगा भाई, जो आज की प्रेजेंट एज है उसकी एक्स, उसमें 5 ऐड कर दो, तो साहिल की एज 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स साहिल्स एज विल बी व्हाट एक्स प्लस 5, करेक्ट। अब ध्यान से सुनो बच्चों, मान लीजिए कि साहिल की एज, साहिल की मदर की एज है लेट अस से 40 ईयर्स, ऐसे जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये उसकी मम्मी की एज है, ये प्रेजेंट एज है उसकी मम्मी की, प्रेजेंट एज है मदर की, करेक्ट। उसकी मम्मी आज के 5 साल के बाद कितने साल की हो जाएंगी, 40 में आप क्या करोगे 5 ऐड करोगे, 45 की हो जाएंगी, यही कॉन्सेप्ट है। सुनो तो ठीक, यहां पर भी आप यही कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है 3 टाइम्स ऑफ द साहिल, यानी कि 3x है, 5 साल के बाद उसकी मम्मी की एज बताइए कितनी हो जाएगी। बच्चों जितनी उसकी मम्मी की एज आज है 3x, उसमें हम क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो मदर की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी 3x में, हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो मैं सब कुछ यहीं पे आपको क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर उसने बोला होता 5 ईयर्स अगो,
कभी कभी वो क्वेश्चन में क्या बोलता है, मैं एक और कॉलम बना देता हूँ। हालांकि इस कॉलम का आपके क्वेश्चन से कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी बच्चों कभी कभी वो बोलेगा 5 years ago, मतलब वो पास्ट की बात करेगा। चेक करो, ये प्रेजेंट है, ये क्या है, फ्यूचर है। ठीक है, एक प्रेजेंट की रो बनती है, एक बनती है किसकी, फ्यूचर की। फ्यूचर मतलब आज के 5 साल के बाद या जितने साल के बाद भी वो बोल रहा है क्वेश्चन में। एक होती है पास्ट की, कभी कभी पास्ट, PST पास्ट टेंस। ओके, नाउ कभी कभी वो बोलता है 5 years ago। बच्चों क्वेश्चन में कभी कभी वो क्या बोलता है, 5 years ago, मतलब वो ये कहना चाहता है 5 साल पहले। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, अगर आज आप कितने के हो, 12 साल के हो, तो पास्ट में आप 5 साल पहले, यानी कि 5 years ago, 5 years ago आप कितने के रहे होंगे। 12 में से इस बार हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे, यानी कि बच्चों आप कितने साल के थे, 7 years के। इसी तरीके से आज अगर उसकी मदर 40 ईयर्स की हैं, तो 5 साल पहले कितने की थी, 5 years ago, 5 years ago मतलब 5 साल पहले, पास्ट की बात कर रहे हैं, ओके, पुराने टाइम की, तो उसकी मदर थी 35 ईयर्स की। ओके, ठीक, यही कॉन्सेप्ट लगाते हुए अगर हम आपसे इस टेबल में पूछें कि साहिल की प्रेजेंट एज एक्स है, तो बताओ साहिल 5 साल पहले कितनी एज का था, तो जवाब है सर इसकी प्रेजेंट एज एक्स में से 5 माइनस कर दीजिए। यस सर, सो एक्स माइनस 5 कर देंगे, लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, इसकी मदर की प्रेजेंट एज 3x है, तो 5 साल पहले इसकी एज कितनी थी, 3x में से 5 माइनस कर देंगे। समझ गए, टेबल बनाना आ गया, ठीक है, किस तरीके से, और भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहरहाल इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला था, आफ्टर 5 years, यानी कि बस वो फ्यूचर की बात कर रहा था। तो ये वाली रो बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कराया मैंने, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में 5 years अगर अगो बोल देगा तो हम ये वाली रो बनाया करेंगे। समझ गए अभी तो। अब वापस क्वेश्चन आओ, कह रहा द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। तो हमने क्या किया, हमने साहिल की प्रेजेंट एज को एक्स माना, तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज साहिल का 3 times, यानी कि साहिल का 3 times। अच्छा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते सर साहिल की एज सर एक्स है, इसकी मदर की एज 3x है, तो सर साहिल की एक काम करो, सर साहिल की ले लो एक्स और इसकी मदर की एज आप कंसिडर कर लो कितनी, x+3। बच्चों रॉन्ग, उसने 3 times बोला है, जब भी 3 times बोलेगा, कहाँ गया, यहाँ पे देखिए बच्चों, जब भी टाइम्स लगा होता है, कल हमने आपको बताया था क्लास में, ठीक है, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक, यानी कि साहिल की एज एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी मदर की एज x+3 नहीं होगी, क्या होगी, 3x होगी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर वो ये बोलता ना कि साहिल मदर एज इज, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं, बट फिर भी अगर वो मोर बोलता, मोर साहिल मदर एज इज, कुछ बोल देता साहिल्स मदर एज इज 20 years मोर देन, तो 20 हम ऐड करते, 3 year तो नहीं मोर हो सकती किसी मदर की एज उसके बच्चे से, ठीक है, बस 20 बोलता 20 ऐड करते, ठीक है, तो मोर बोलेगा तो ऐड करेंगे, लेस बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए ना। तो ये सब बच्चों कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, तो साहिल की प्रेजेंट एज एक्स, उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x। अब सुनो, अब 5 साल के बाद साहिल कितने का हो जाएगा, x+5, उसकी मदर कितने की हो जाएगी, 3x+5, ठीक। अब आगे क्वेश्चन में बच्चों जो कंडीशन लगी होती है, ठीक है, उसको आपको फुलफिल करना होता है, ओके। अब हम क्या चेक करते हैं, क्वेश्चन की कंडीशन चेक करते हैं, और क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होती है उससे आपकी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, उससे आपकी क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, और उस लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लिया करेंगे। ध्यान से सुनिए कंडीशन क्या है, यह है कंडीशन, कह रहा आफ्टर 5 years देयर एजेस, देयर मतलब उनकी एजेस विल एड टू 66 years, मतलब समझो बच्चों आफ्टर 5 years अगर उनकी एज को हम ऐड कर दें, आफ्टर 5 years अगर उनकी एज को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आंसर कितना आना चाहिए ऐड होके, 66, ऐसा उन्होंने बोला है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आ रहा है कि भाई दोनों की एजेस को क्या करना है, ऐड करना है, चेक करो दोनों की एजेस को ऐड करना है, लेकिन सर कौन सी वाली एज, सर प्रेजेंट एज को ऐड करें, आई रिपीट सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, कौन सी एजेस को ऐड करें, सर प्रेजेंट एज को ऐड करें, मतलब साहिल की प्रेजेंट एज ले ली है ना, ये एक्स क्या है, साहिल की प्रेजेंट एज है, और मदर की प्रेजेंट एज कितनी है, 3x है, सर इन दोनों को ऐड करके 66 आ रहा है, या आफ्टर 5 years इन दोनों एजेस को ऐड करके 66 आ रहा है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, आपको क्वेश्चन वेरी केयरफुली पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसने बोला क्या, उसने बोला आफ्टर 5 years, बच्चों चेक करो वो क्या कह रहा है, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years, मतलब बच्चों कौन सी एज ऐड करनी है,
प्रेजेंट एज के बारे में बात नहीं कर रहा है, ऐड किसको करने के लिए कह रहा है, पढ़ो ना, कह रहा है आफ्टर फाइव ईयर, मतलब आज साल, आज के पांच साल के बाद अगर उनकी एजेस को ऐड करें, मतलब एजेस तो ऐड करनी है लेकिन कौन सी वाली, प्रेजेंट वाली नहीं, ना 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 ना, पांच साल के बाद वाली, आफ्टर फाइव ईयर्स, करेक्ट बच्चों। यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 66। अब सुनो बच्चों, तो यही कंडीशन है क्वेश्चन की, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, साहिल्स एज आफ्टर फाइव ईयर्स, ठीक, और प्लस साहिल्स मदर एज आफ्टर फाइव ईयर्स, ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर फाइव ईयर्स, साहिल की फाइव ईयर के बाद वाली एज और उसकी मम्मी की बाद वाली एज, इन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 66। मतलब समझो साहिल की फाइव ईयर्स के बाद वाली एज क्या है, x प्लस फाइव है, तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे, x प्लस फाइव, ये साहिल की आफ्टर फाइव ईयर्स वाली फ्यूचर वाली एज है, फिर प्लस लगा है, ठीक, ये देखिए ये साहिल की एज है पांच साल के बाद और उसकी मम्मी की एज कितनी पांच साल के बाद, चेक करो 3x प्लस फाइव, ओके 3x प्लस फाइव, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए, सम किया जाए, तो आंसर कितना आना चाहिए, कह रहा है आफ्टर फाइव ईयर्स देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर, इनकी एजेस को अगर ऐड करें तो 66 आता है। इस तरीके से हम बच्चों एज वाले क्वेश्चन को किया करते हैं। अब ये बच्चों का खेल हो गया, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, लीनियर इक्वेशन बन चुकी है बच्चों, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्स का वैल्यू होगा वो साहिल की प्रेजेंट एज होगी, और एक्स के वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू एक्स करोगे, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज आ जाएगी, करेक्ट। चलिए अब आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। सो और अब देखो ये ब्रैकेट आप हटा सकते हो, बस मैं दिखा रहा था, साहिल की एज है 5 साल के बाद और ये 5 साल के बाद उसकी मम्मी की एज है। सो देखो ये लिखोगे आप x प्लस फाइव और प्लस ये क्या है 3x प्लस फाइव, ठीक, इज इक्वल्स टू 66। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, अब देखिए बच्चों इतना तो सभी बच्चों को नॉलेज है कि x प्लस 3x कितना होता है, भाई इसको पास पास कर सकते हो ना, रीअरेंज कर लोगे, सो इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 3x, ये लाइक टर्म्स है, x और 3x पास पास ले आएंगे, और प्लस 5 और 5 ये भी लाइक टर्म्स है, नंबर्स है ना, पास पास ले आएंगे, इज इक्वल्स टू कितना हो गया 66, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो x प्लस 3x कितना होता है 4x, जिसको नहीं पता है बच्चों सीख लीजिए, देखिए x प्लस एक x प्लस 3x कितना होता है बेटा 4x होता है, कैसे सर, देखो यहाँ पर x का कोफिशियंट कितना है 3 है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशियंट कुछ नहीं है, यानी कि हम आगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1, ओके स्टूडेंट्स, आगे हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक, तो 1 प्लस 3 4 कर दो और जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज कॉपी कर दो, तो याद रखना x का मतलब क्या होता है, x का मतलब 1x होता है, ठीक, और 3x तो लिखा है, तो 3 प्लस 1 4 है ना 4x, यानी कि x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक, कंफ्यूज मत करना बच्चों, और अगर कहीं ऐसा लिखा होता, अगर x इंटू 3x लिखा होता मान लीजिए, हाँ, अगर x और 3x के बीच में प्लस ना होके मल्टीप्लाई होता तब क्या करते, तब कुछ नहीं करते, x के आगे 1 मानते और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते, 3 1 का क्या होता 3, और x इंटू xx स्क्वायर होता है, याद रखिएगा x इंटू x क्या होता है x स्क्वायर होता है, ठीक, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें थोड़ी सी जगह चाहिए, वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए प्लीज, वीडियो पॉज करके बच्चे सभी कॉपी करें फटाफट, फिर मैं आपको आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ, कॉपी कर लें, कर लिया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक, चलिए देखिए बच्चों x प्लस 3x कितना होता है 4x, तो ये हो गया 4x, ठीक, चेक कर लो बेटा x प्लस 3x 4x हो गया, और प्लस 5 और प्लस 5 यानी कि प्लस 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 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन लगेगा प्लस का, 5 प्लस 5 10 हो गया, सो प्लस में क्या बचा 10, ओके इज इक्वल्स टू क्या है 66 है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों ये वाला 10 कहाँ जाएगा, राइट में, सो 4x इज इक्वल्स टू 66। अब देखो 10 के आगे प्लस है, इसको हमने प्लस 10 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में 4x इज इक्वल्स टू बच्चों 66 माइनस 10 कितना होता है 56, ठीक, तो ये हो गया 56, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया सभी बच्चों का। अब 4x का क्या मतलब है 4 इंटू x, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लीनियर इक्वेशन तो बच्चों का खेल है, सारा सिखा चुका हूँ मैं आपको इससे पहले वाली एक्सरसाइज में,
और 4x का मतलब क्या होता है, 4 into x, तो 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, तो क्या करेगा 56 में डिवाइड कर देगा बच्चों, ये देखिए ठीक। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 से करना हो 2 से कर दो, 4 से करना हो 4 से कर दो डायरेक्टली ठीक। तो मैं चलो 2 से करके दिखा दे रहा हूँ, 2 2 4 है ना, फिर 2 2 4 1 जाएगा हाँ, फिर 2 8 16, फिर 2 1 2 और 2 14 टाइम जाएगा ठीक है। और आपको पता है 14 4 56 होता है, डायरेक्ट भी ले सकते थे, 4 1 4 और 4 14 कितना हो जाएगा 56। बहरहाल नीचे बच्चा 1 1 का कोई मतलब है नहीं, 14 अपॉन 1 14 हो जाता है। सो x का वैल्यू कितना आ गया 14 ईयर्स, बात समझो बच्चों। x क्या था, साहिल की प्रेजेंट एज थी, तो हम आंसर लिखेंगे अपना क्या कि साहिल्स प्रेजेंट एज इज 14 इयर्स, चेक कर लो जो एक्स की वैल्यू थी है ना, और साहिल की मदर की भी पूछी थी प्रेजेंट एज, तो साहिल्स मदर साहिल्स मदर, या हम ऐसे लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज, अब ध्यान दे बच्चों कितनी इसकी मम्मी की प्रेजेंट एज 3x है ना। So, मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, 3x, 3x का मतलब 3 into x होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, यानी कि 3 into x, x की वैल्यू कितनी है 14 है ठीक है बच्चों। नाउ कितना आ जाएगा 3 into 14, यानी कि 14 3 जा कितना होगा 42। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी है 42 ईयर्स है। ओके ठीक है, इतना कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, वीडियो पॉज करके करिए, फिर एक और बात बताता हूँ। अब हम इसमें क्वेश्चन का, अब हम इसमें आंसर का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर वेरीफाई कैसे करोगे समझो जरा, कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं ठीक है। देखो आंसर हम वेरीफाई इस तरीके से करेंगे, आंसर हम वेरीफाई इस तरीके से करेंगे कि आज के 5 साल के बाद हम सोचेंगे साहिल कितने साल का हो जाएगा, उसकी मम्मी कितने साल की हो जाएंगी, और दोनों की एज को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 66। तो ध्यान से सुनो, आज के 5 साल के बाद बताओ साहिल कितने साल का हो जाएगा, प्रेजेंट में तो कितने का है 14 ईयर का, आज के 5 साल के बाद वो कितने का हो जाएगा 14 + 5 यानी कि 19 ईयर। तो आज के 5 साल के बाद 19 ईयर का साहिल हो जाएगा, और इसकी मम्मी हो जाएंगी कितने की 42, और प्लस 5 करोगे 47 ईयर्स की। अब बच्चों चेक कर लीजिए, आज के 5 साल के बाद ये साहिल की एज है, ये उसकी मदर की एज है, अगर दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए 66 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। चेक करो 19 + 46, 9 + 7 16, कैरी जाएगा 1 4 + 1 5 5 + 1 6, ये लीजिए 66 आ रहा है ठीक है। यानी कि बच्चों हमने बिल्कुल सही किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 मैथमेटिक्स पेज नंबर 26 एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 8 करेक्ट। देखिए ये क्वेश्चंस बच्चों डिनोमिनेशन पे बेस्ड होते हैं करेक्ट, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा यहां पर। करेक्ट, बंसी हैज, बंसी नाम का कोई बंदा होगा ठीक है, बंसी हैज 3 times एज मैनी 2 rupee coins एज ही हैज 5 rupee coin। बच्चों देखिए पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कह रहा है कि बंसी हैज 3 times एज मैनी 2 rupee coin एज ही हैज 5 rupee coin। मतलब समझो, बंसी के पास बच्चों 5 rupee के भी क्वाइन है और 2 rupee के भी क्वाइन है। क्या क्या है बंसी के पास ठीक है बच्चों, बंसी नाम का बेचारा कोई बच्चा है, कोई बंदा है ये बंसी नाम का ठीक है बच्चों, इसके पास 2 rupees के भी क्वाइन है ठीक, और इसके पास 5 rupee के भी क्वाइन है करेक्ट। लेकिन हमें यह भी नहीं पता कि 2 rupee के कितने क्वाइन है, 5 rupee के कितने क्वाइन है, लेकिन उसने हमें एक कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, क्या कि बंसी हैज 3 times एज मैनी 2 rupee coin एज ही हैज 5 rupee coin। क्वेश्चन पढ़ के आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बंसी हैज 3 times एज मैनी 2 rupee coin मतलब ही हैज 5 rupee coin। मतलब समझो बच्चों, मतलब बाद में जो लिखा हुआ है एज ही हैज 5 rupee coin, तो 5 rupee coins के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नंबर ऑफ 5 rupee coin के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या नंबर ऑफ 2 rupee coin। बात समझो भाई, हमने बोला आपके पास 2 rupee के कॉइन है और 5 rupee के कॉइन है, तो भाई कुछ उनकी कुछ संख्या होगा ना, उनका कुछ नंबर होगा ठीक है ना। तो 5 rupee के जितने भी कॉइन है उसके कंपेरिजन में 2 rupees के कॉइन 3 times है, ये क्वेश्चन का मतलब है। आई रिपीट फिर से पढ़ लो, कह रहा बंसी हैज 3 times एज मैनी 2 rupee coin, मतलब जो 2 rupee के कॉइन है उनकी जो संख्या है, उनका जो नंबर है
टू रुपी का जो कॉइन है बच्चों, उनका जो नंबर है वो पढ़ो 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 पढ़ो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, इसमें टाइम लगाया करिए बच्चों। ओके, कर बंसी हैज थ्री टाइम्स एज मेनी टू रुपी कॉइन एज ही हैज फाइव रुपी कॉइन, मतलब उसके पास पांच रुपए के जितने भी कॉइन है बच्चों, उनका जितना भी नंबर होगा उसके कंपैरिजन में टू रुपीज के कॉइन ज्यादा हैं। और कितने ज्यादा है? थ्री टाइम्स। ओके नाउ बच्चों, अब आप बताओ कि ना तो आपको फाइव रुपी के कॉइन पता है कितने हैं और ना तो आपको टू रुपी के कॉइन कितने हैं पता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर फाइव रुपी के कॉइन को एक्स माने, मतलब फाइव रुपीज के एक्स कॉइन है ये माने, या टू रुपीज के एक्स कॉइन है ये माने, मतलब किसके नंबर को हम अज्यूम करें बताइए। ये क्वेश्चन में आपको पढ़ के खुद दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से सुनिए। उसने बोला है कि जो टू रुपी के कॉइन है ना वो फाइव रुपी के कॉइन के कितने हैं, थ्री टाइम्स है। मतलब समझो, मतलब जो टू रुपीज के कॉइन की संख्या है वो फाइव रुपीज के कॉइन की संख्या पे डिपेंड कर रही है। जब तक फाइव रुपीज के कॉइन नहीं पता चलेंगे कितने हैं, तब तक टू रुपीज के कॉइन कितने हैं ये भी नहीं पता चलेंगे भाई। अगर बात समझो बेटा, बात समझो, मान लो कि कंडीशन यही है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई देखो, बंसी के पास मान लो बंसी के पास टेन कॉइन्स हैं, किसके, रुपी फाइव के। ओके, फाइव रुपीज के बंसी के पास टेन कॉइन्स है, ये बात अगर मैं आपको बता दूं तो टू रुपीज के कितने कॉइन है आप हमें बता देंगे? यस सर, बता देंगे। कैसे भाई? जब आपको पता चल गया है कि फाइव रुपीज के टेन कॉइन्स हैं तो बच्चों टू रुपीज के कितने कॉइन होंगे? टू रुपीज के कॉइन कैसे निकालोगे? फाइव रुपी के जितने भी कॉइन है उसका क्या करेंगे? थ्री टाइम्स कर देंगे। यानी कि फाइव रुपी के टेन कॉइन है, टेन का क्या करोगे? थ्री टाइम्स। टाइम्स का मतलब हमेशा याद रखिएगा मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो इसका मतलब थ्री इंटू टेन, यानी कि बच्चों आंसर कितना आएगा? 30 आ जाएगा। यानी कि टू रुपीज के कितने कॉइन है? 30 कॉइन है। करेक्ट, जस्ट ये एक एग्जांपल था, इसको दिल पे मत लेना आप, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर हमें सोच के पता चल रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि फाइव रुपीज के कॉइन का नंबर आपको अज्यूम करना पड़ेगा। अगर फाइव रुपीज के कॉइन के नंबर को आपने अज्यूम कर लिया तो आप टू रुपीज के कॉइन के नंबर को भी अज्यूम कर लोगे। देखिए बच्चों, हमने अपनी कॉपी में लिखा, सबसे बड़ी बात यह होती है कि अज्यूम किसको करें, है ना। तो टू रुपीज के कॉइन का जो नंबर है वो फाइव रुपीज के कॉइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो फाइव रुपीज के कॉइन को आप अज्यूम करोगे। ओके बच्चों, सो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज फाइव बी एक्स, मतलब कि बात समझो, फाइव रुपी के कितने कॉइन है? एक्स है। अब एक डायग्राम बनाए, देखिए बच्चों, ये देखिए फाइव रुपीज के कॉइन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, है ना, ऐसे कॉइन का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन टू रुपीज के कॉइन ज्यादा है, फाइव के थ्री टाइम्स है, तो जो टू रुपीज के कॉइन है उनका ढेर थोड़ा सा, उनका जो ढेर ऐसा स्टैक लगा देंगे जब उनका, तो इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा लगेगी, ये भी आप थोड़ा फील करके चलो, है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, ये देखिए, अगर नंबर ऑफ रुपीज फाइव कॉइन कितने हैं? एक्स है, तो टू रुपीज के कितने कॉइन होंगे बताइए? टू रुपीज के कॉइन की संख्या कितनी होगी? फाइव रुपीज के जितने कॉइन है उसका थ्री टाइम्स कर दो। फाइव रुपीज के कॉइन एक्स है तो एक्स का थ्री टाइम्स करो। एक्स का थ्री टाइम्स कितना होता है बच्चों? एक्स का थ्री टाइम्स कितना होता है? एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि थ्री एक्स। यानी कि बच्चों टू रुपीज के कितने कॉइन है? थ्री एक्स। ओके, सो हमने लिखा क्या कि हेंस, अपनी कॉपी में हेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटीक्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी टू विल बी कितना हो जाएगा? ये विल बी कितना हो जाएगा बच्चों बताइए? जितने फाइव रुपीज के कॉइन हैं उसका क्या कर दो? थ्री टाइम्स कर दो। ओके, फाइव रुपीज के कितने कॉइन माने आपने? एक्स। और फाइव रुपी के जितने भी कॉइन है, एक्स क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी फाइव, फाइव रुपी का एक्स कॉइन है, तो टू रुपीज के कितने कॉइन हो जाएंगे? फाइव रुपीज का कॉइन जितने भी हैं उसका क्या करना है? थ्री टाइम्स करना है, यानी उसको हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी फाइव। थ्री से क्यों मल्टीप्लाई किया? लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टू रुपीज के कॉइन का जो नंबर है वो फाइव रुपीज के कॉइन के नंबर का क्या है? थ्री टाइम्स है। ओके, सो थ्री इंटू एक्स कितना आ जाएगा? थ्री एक्स। यानी कि टू रुपीज के कॉइन कितने हो गए? थ्री एक्स हो गए। अगर जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहां पर एक कंडीशन लिख के दिखाता हूं, वहां से आपको बच्चों समझ में आ जाएगा। ध्यान से चेक करिए, देखिए बात समझिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पता है क्या उसने बोला? नंबर ऑफ एनो का मतलब नंबर ऑफ रुपी टू कॉइन्स इज इसका मतलब इक्वल टू इज इक्वल्स टू थ्री
टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, थ्री टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, ये है कि नहीं बताइए। यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स का मतलब इनटू, हमेशा याद रखना टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, यही बोल रहा है। तो अब आप चेक करो यहां पर हमें क्या निकालना है, इसको हमने ऐसे कॉपी किया स्टेटमेंट को, नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मतलब इनटू, और यहां हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, और नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स कितना माना है आपने, x माना है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे यहां पर x, लो 3 इनटू x, आंसर कितना आ गया 3x। अब तो समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स 3x हमने क्यों माना, करेक्ट, बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं रब कर देता हूं, नोट कर लीजिए प्लीज, कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, ठीक आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ही हैज ऑल इन, If he has in all a sum of rupees 77, correct? मतलब समझो, अगर उसके पास total amount, ये total amount है, ठीक? उसके पास total, देखो कुछ तो उसके पास 2 rupees के coin है, कुछ तो उसके पास 5 rupees के coin है, 5 rupees के जितने coin है, उसके comparison में 3 rupees के coin, 2 rupees के coin 3 times है, और ध्यान से सुनो, 2 rupees की वजह से जितना amount होगा, plus 5 rupees की वजह से जितना amount होगा, total amount मिला के कितना आ रहा है? 77. तो कह रहा है कि ये बताओ, How many coins of each denomination does he have? ठीक है, यानी कि how many coins of each denomination does he have का मतलब है कि वो ये कहना चाहता है, denomination का मतलब कि ये बताओ कि 2 rupees के कितने coin हैं और 5 rupees के कितने coin हैं। मतलब समझो बच्चों, वो आपको x की value चाहता है, भाई x की value आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा 5 rupees के कितने coin हैं, और फिर वो किसकी value चाहता है, 3 into x की, भाई x की वैल्यू आएगी तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि 2 रुपीस के कितने कॉइन है। ठीक है, अब ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, देखो बच्चे एक बात बताइए, मैं आपको एक टारगेट देता हूं छोटा सा, मैंने आपको बोला कि बेटा ये बताओ, ये आप हो, ठीक, मैंने बोला कि बेटा आपके पास ना, ध्यान से सुनो, रुपीस 2 के 5 कॉइन है, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी 2 रुपए का सिक्का है, ये भी 2 रुपए का कॉइन है, ये भी 2 रुपए का, ये भी 2 रुपए का, ये भी 2 रुपए का, 2 रुपए के कितने कॉइन है 5 कॉइन, 2 रुपीस के कितने कॉइन है 5 कॉइंस। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आपके पास 2 रुपीस के कितने कॉइन है 5, तो बताइए 2 रुपए की वजह से, 2 रुपीस वाले डिनोमिनेशन की वजह से आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, बताइए बच्चों, आपके पास जो अमाउंट होगा 2 रुपए के सिक्कों की वजह से, वो अमाउंट होगा कितना, वो अमाउंट होगा बच्चों आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, एक सिक्के की वजह से 2 रुपए, 2 सिक्कों की वजह से 2+2, 3 सिक्कों की वजह से 2+2+2, 4 सिक्कों की वजह से 2+2+2+2 4 टाइम्स, और 5 सिक्कों की वजह से 2+2+2। अब देखो 2 को 5 टाइम्स ऐड करो, या फिर 2 को रुपीज 2 को क्या करें, रुपीज 2 को क्या करें, नंबर ऑफ कॉइंस मतलब 2 रुपए के जितने सिक्के हैं उससे मल्टीप्लाई करें, बात कैसे, बात समझो बच्चों, हम क्या करेंगे, हमारी जो डिनोमिनेशन होगी 2 रुपए का सिक्का, उसको हम 2 रुपए के जो नंबर होंगे, मतलब 2 रुपए के जितने सिक्के होंगे, कितने सिक्के हैं 1 2 3 4 5, अगर हम नंबर ऑफ कॉइन से डिनोमिनेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि 2 रुपए के सिक्कों की वजह से कितना अमाउंट है, तो जवाब है 5 × 10 रुपीज, है कि नहीं बताइए, ठीक। यानी कि बच्चों यहां पर हमें कॉन्सेप्ट पता चला, इसी तरीके से मान लो हम आपको एक टारगेट देते हैं कि भाई रुपीज 5 के बेटा आपके पास मान लो 6 कॉइन है, जस्ट एग्जांपल है, ठीक, रुपीज 5 के 6 कॉइन है, 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन 4 कॉइन 5 कॉइन 6 कॉइन, ठीक, ये भी 5 रुपए का, ये भी 5 रुपए का, ये भी, ठीक है। तो हमने आपको पूछा कि भाई 5 रुपीज के 6 कॉइन है, तो बताओ आपके पास 5 रुपीज की वजह से कितना अमाउंट होगा, हाँ, तो आपके पास 5 रुपीज की वजह से जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, सुनो ध्यान से, यहां लिखेंगे हम डिनोमिनेशन रुपीज 5 और जितने कॉइन है 5 के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, यानी कि आपके पास कितना रुपया होगा 30। मतलब बच्चों यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है कि अगर आपको कभी भी अमाउंट निकालना है, अगर आपको कभी भी क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, इसको मैं कहीं लिख दूं यहां साइड में, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक। सो अगर आपको कभी भी अमाउंट निकालना है बच्चों, तो क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉइंस कॉइन का नंबर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन का मतलब कि अगर 2 रुपए का सिक्का है तो रुपीज 2 लिखेंगे, 5 रुपए का सिक्का है तो रुपीज 5 लिखेंगे, अगर 10 रुपीज का कॉइन है तो रुपीज 10 लिखेंगे,
इस तरीके से। इसी तरीके से नोट्स भी हो सकते हैं, अगर 100 रुपीस का नोट है तो हम क्या लिखेंगे, रुपीस 100। ओके, तो हमने बताया कि भाई हमें अमाउंट कैसे मिलता है, नंबर ऑफ कॉइंस इनटू व्हाट, डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब उसकी वैल्यू कितनी, रुपए 2 है या रुपए 5 है या रुपीस 10 का है, ठीक है ना। ओके, अच्छा अब सुनो, यहीं पे मान लो मैं आपको ये पूछता कि बेटा ये बताओ कि आपके पास 2 रुपए के टोटल 5 कॉइंस हैं, ठीक, और 5 रुपीस के टोटल 6 कॉइन्स है, बताओ आपके पास टोटल कितना रुपया है। तो आप बोलोगे सर 2 रुपए के 5 कॉइन है इसकी वजह से मेरे पास रुपीस 10 हो जाएंगे टोटल, है ना, और 5 रुपीस के 6 कॉइन है इसकी वजह से मेरे पास टोटल 30 हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या बोलोगे, मेरे पास टोटल 30 प्लस 10 यानी कि टोटल 40 रुपीस हो जाएंगे, मतलब 2 रुपए के 5 कॉइन और 5 रुपीस के 6 कॉइन की वजह से टोटल अमाउंट कितना होगा, 30 प्लस 10 40, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। बंसी के पास टोटल अमाउंट कितना है, 77। भाई देखो कुछ तो अमाउंट होगा 2 रुपए के सिक्कों की वजह से और कुछ अमाउंट होगा 5 रुपीस के कॉइन की वजह से, सही है ना। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने स्टूडेंट्स अब आगे देखिए, इफ ही हैज ऑल इन सम ऑफ रुपीज 77, मतलब समझो इसके पास टोटल अमाउंट कितना है 77, कुछ तो होगा 2 रुपीज के कॉइन की वजह से और कुछ अमाउंट होगा 5 रुपीज के कॉइन की वजह से, ठीक है। सो द अमाउंट बंसी हैज, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे, अब देखिए क्या करने जा रहा हूं मैं, द अमाउंट बंसी हैज, सुनो ध्यान से बच्चों, पहली बात तो फ्रॉम अमाउंट फ्रॉम, हम लिखेंगे अपनी कॉपी में अमाउंट फ्रॉम रुपीस 2 कॉइंस, ठीक है, 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसकी वजह से कितना अमाउंट होगा। अभी अभी मैंने आपको अमाउंट निकालना सिखाया है, क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉइंस इनटू डिनोमिनेशन, करेक्ट। अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ कॉइंस किसकी वजह से हम अमाउंट निकाल रहे हैं, 2 रुपए के सिक्के की वजह से, तो ये बताओ नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ 2 रुपीस कितने हैं, यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉइंस किसके, 2 रुपीस के, ठीक। तो बच्चों 2 रुपीस के कितने कॉइन है, 3x, ठीक। मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूं भाई अमाउंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉइंस, ठीक। अब यहां पर 2 रुपीस के कॉइन की वजह से निकालने से नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीस 2 लिखेंगे यहां पर, ठीक, इनटू क्या करेंगे, डिनोमिनेशन, इनटू डिनोमिनेशन, ओके, मतलब समझो यहां पर देखो नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीस 2, रुपीस 2 के कितने कॉइन है, 3x है, ठीक। तो हमने यहां नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीस 2 लिखा 3x और इनटू डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब रुपीस 2 के कॉइन की वैल्यू कितनी होती है, रुपीस 2, क्या दिक्कत है ना। सो यहां लिखा हमने, ये रुपीस का सिंबल है और 2, ठीक, ये रुपीस का सिंबल है बस, है ना, सिंबल को आप इग्नोर करो, छोड़ो उसको, आप बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो रुपीस के सिंबल को सबसे पहले लिख लिया हमने और 3x into 2, ठीक। अरे रुपीस बेटा लिखोगे ना तभी तो पता चलेगा ना रुपीस है, रुपीस में बात कर रहे हैं, डॉलर में नहीं कर रहे हैं ना। सो 3x into 2, नाउ ध्यान दो बच्चों, ये रुपीस का सिंबल ऐसे ही रहेगा, अब ये तो मल्टीप्लाई बच्चा बच्चा कर लेता है, 3 2 कितना हो जाएगा 6 और साथ में x बचेगा, भाई 3 into x into 2 है ना, इसका मतलब 3 2 कितना हो गया 6 और x, ये देखिए बच्चों रुपीस 6x, ठीक है। तो 6x रुपीस आता है किसकी वजह से, 2 रुपीस 2 के कॉइन की वजह से, इतना अमाउंट है उसके पास 2 रुपए के सिक्कों की वजह से, करेक्ट। कॉपी में नोट करिए बच्चों, कॉपी में नोट करिए, मैं रब कर दूंगा, प्लीज नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज बच्चों फटाफट, इसको कर लिया, चलो यहीं पे करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, अब भाई कुछ अमाउंट होगा उसके पास किसकी वजह से, अमाउंट फ्रॉम रुपीस 5 कॉइंस, ठीक है बच्चों, 5 रुपए के सिक्कों की वजह से भी तो अमाउंट होगा, क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीस 5, नंबर ऑफ अमाउंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ कॉइंस और कॉइंस इस बार कौन से, ऑफ रुपीस 5, ठीक, इनटू व्हाट, डिनोमिनेशन ऑफ रुपीस 5, डिनोमिनेशन मतलब रुपीस 5 की क्या, एक कॉइन की क्या वैल्यू होती, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीस 5, रुपीस 5 के कितने कॉइन है, x है माना था आपने, सो नंबर ऑफ कॉइंस ऑफ रुपीज 5 एक्स हो जाएगा, इनटू लगाएंगे और डिनोमिनेशन मतलब 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू क्या होती, एक 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू क्या होती, रुपीज 5, उसको यहां पर लिख दो, तो रुपीज 5, ओके। नाउ ध्यान दे बच्चों, ये रुपीज यूनिट है, बाहर आ जाएगा, एक्स इंटू 5 लिखेंगे। अब बेटा एक बात तो आपको भी पता है, एक्स इंटू 5 लिखो, सुन लो ध्यान से, एक्स इंटू 5 लिखो चाहे 5 इंटू एक्स लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो 5 इंटू एक्स कितना आ जाएगा, 5x, या फिर x इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5x, ओके। सो यहां से आ गया, आगे तो रुपीज रहेगा, है ना, और 5 इंटू एक्स हो गया हमारे पास कितना, 5x, लीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, 2 रुपए के जितने भी सिक्के हो, हमें नहीं पता, लेकिन 2 रुपए के जितने भी सिक्के हो उसकी वजह से उसके पास कितना रुपए है, 6x,
और 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं उसकी वजह से उसके पास कितना है 5x। अब सुनो टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 77। मतलब समझो बच्चों 2 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है और प्लस 5 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है उसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए 77। ओके बच्चों, सो ध्यान से चेक करिए, पहले बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक, ये सब नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अमाउंट फ्रॉम रुपीज टू और प्लस अमाउंट फ्रॉम रुपीज 5, यानी कि 2 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है और 5 रुपए के सिक्कों की वजह से जो अमाउंट है दोनों को अगर हम क्या कर दें प्लस कर दें, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल अमाउंट आ जाएगा और टोटल अमाउंट कितना है रुपीज 77, यानी कितना आना चाहिए रुपीज 77। ठीक, अब सुनो यहां से इक्वेशन बनेगी और अब ध्यान दो अमाउंट फ्रॉम रुपीज टू, रुपीज टू की वजह से कितना अमाउंट है बच्चों चेक करिए, रुपीज टू की वजह से निकाला था, रुपीज टू की वजह से कितना अमाउंट है 6x। ठीक, तो रुपीज टू की वजह से 6x अमाउंट है 6x और प्लस अमाउंट फ्रॉम रुपीज 5, रुपीज 5 की वजह से कितना अमाउंट है 5x। ठीक, अब रुपीज रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है ना, 2 रुपीज के कॉइन की वजह से रुपीज 6x और 5 रुपीज के कॉइन की वजह से रुपीज 5x इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए रुपीज 77, यानी कि 77। ठीक, अब ये बच्चों वाला खेल हो गया बच्चों, चेक कर लीजिए, अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और ध्यान से चेक करो क्या 6x प्लस 5x कितना होता है 6 प्लस 5, लाइक टर्म से ऐड हो जाएंगे 6 प्लस 5 11 है ना, सो यहां से हो जाएगा 11x इज इक्वल्स टू कितना है 77। ठीक है, ये ऐड करना आता है ना, 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 और दोनों के पास x है तो x आ जाएगा। ठीक, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, x स्क्वायर मत कर देना, मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहा है कि x इनटू x स्क्वायर कर दोगे, तो 6x प्लस 5x 11x। ओके, अब ध्यान दो बच्चों 11x का मतलब 11 इनटू x इज इक्वल्स टू व्हाट 77। ओके, नाउ ध्यान दें बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, इतने तो आप लोग भी समझदार हो, 11 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, सो x इज इक्वल्स टू 77 अपॉन 11। ओके, नाउ सॉल्व करिए, 11 बंदा और 11 का साइन मत चेंज कर देना, 11 ऐसे ही जाएगा नीचे, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं इसके पहले एक्सरसाइज में। ओके, 11 बन जाए 11, 11 7 का कितना होता है 77, 7 अपॉन 1 कितना होता है 7, सो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी कि बच्चों बात समझिए, x क्या था रुपीज 5 के कॉइन, ठीक, मतलब 5 रुपीज के कॉइन, तो 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं, अब हम यहां पे आंसर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, सो आंसर देखिए बच्चों कितना आ रहा है, हमने पहले क्या लिखा था, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 बी x, तो इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है कि द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 x था ना, 5 रुपए के कितने कॉइन थे x और x का वैल्यू कितना है 7 है, यानी कि बच्चों 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 7, चेक कर लो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 7, और इसी तरीके से बच्चों नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2 विल बी कितना हो जाएगा 3 इंटू x, यानी कि ध्यान से चेक करिए 3 इंटू x, यानी कि 3 इंटू x का वैल्यू कितना है 7, तो 3 7 का कितना हो गया 21, यानी कि बच्चों उसके पास 21 कॉइन तो होंगे 2 रुपीज वाले और 7 कॉइन होंगे 5 रुपीज वाले। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहां पर दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है, नोट करो, मैं आपको आंसर भी चेक करके दिखाता हूं, प्लीज नोट करिए, मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लिया, चलो अब देखिए आंसर चेक करिए जरा, क्या हमारा आंसर सही है, ध्यान से चेक करो बच्चों आंसर चेकिंग, सुनिए 5 रुपए के कितने कॉइन आए हैं 7, ठीक, तो 5 रुपए की वजह से कितना अमाउंट होगा नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5, भाई एक 5 रुपए का सिक्का है तो 5 रुपए, 2 5 रुपए के सिक्के तो 2 इंटू 5, 3 5 रुपए के सिक्के तो 3 इंटू 5, तो 7 अगर 5 रुपए के सिक्के हैं तो 7 इंटू 5, यानी कि 7 इंटू 5 इतना अमाउंट रुपीज 7 इंटू 5, इतना तो 5 रुपए के सिक्कों की वजह से होगा और प्लस 2 रुपए की वजह से, 2 रुपए के सिक्कों की वजह से कितना अमाउंट होगा चेक करो, 2 रुपए का अगर एक सिक्का है तो 1 इंटू 2, यानी कि 2 रुपीज, 2 रुपए का अगर 2 सिक्के हैं तो 2 इंटू 2, 2 रुपए का अगर 3 सिक्के हैं तो 3 इंटू 2, यानी कि 6 रुपीज हो जाएंगे, 2 रुपए का अगर 4 सिक्के हैं तो 4 इंटू 2, यानी कि 8 रुपीज हो जाएंगे, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 21 है, यानी कि 21 इंटू 2 करेंगे अगर हम, तो हमें 2 रुपए की वजह से टोटल अमाउंट मिलेगा। अब 5 रुपए की वजह से अमाउंट कितना हो जाएगा 7 5 35 और प्लस
दो रुपए की वजह से अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 into 21, 42, और दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, ₹77, क्योंकि उसके पास टोटल कितना था, ₹77, चेक कर लो बच्चों, 5 plus 2 7 और 3 plus 4 7, ये लीजिए, तो उसके पास टोटल ₹77 है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ रहा है, इसका मतलब ₹5 के 7 सिक्के हैं और ₹2 के 21 कॉइन्स हैं, ओके, प्लीज नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी पेज नंबर 26 क्लास 8 मैथमेटिक्स एग्जांपल नंबर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, ये चेक कर लेना, पता लगा यही गलत कॉपी कर दिया है ना, 363 यही चेक कर रहा था मैं बुक से, ओके हाँ। नाउ अब देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें कुछ बातें छुपी हुई हैं, उसको आपको समझना है। सबसे पहले एक बात, इसमें एक वर्ड है मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ व्हाट, 11 का मल्टीपल चाहता है वो, सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, पता है मल्टीपल का क्या मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है ऐसे नंबर जो कि 11 की टेबल में आते हो, मल्टीपल ऑफ 11 जब उसने बोला तो वो कहना चाहता है ऐसे नंबर जो 11 की टेबल में आना आते हैं, बात समझो बच्चों, ध्यान से चेक करो। अगर हम आपसे पूछें कि बच्चों 11 की टेबल जरा बताइए, तो आप बोलोगे सर ये तो सबको आता होगा, 11 वनजा कितना होता है 11, यस सर, 11 टूजा कितना होता है 22, फिर 11 थ्रीजा कितना होता है बच्चों 33, 11 थ्रीजा कितना होता है 33 एंड सो ऑन टू, बाकी आप लोग समझदार हो, 11 फोर्जा कितना होता है 44, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से पता है एक और 11 का मल्टीपल, ये सारे 11 के मल्टीपल है, अगर हम पूछेंगे क्या 11 का मल्टीपल है, यस सर, क्योंकि 11 11 की टेबल में आता है। क्या 22 11 का मल्टीपल है, यस सर, क्योंकि 22 भी 11 की टेबल में आता है। क्या 33 11 का मल्टीपल है, यस सर, 33 भी 11 की टेबल में आता है। क्या 44 11 का मल्टीपल है, यस सर। क्या एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या 56 11 का मल्टीपल है, नो सर, भाई 11 5 55 होता है, 56 11 की टेबल में कहां आता है, इसलिए 56 11 का मल्टीपल नहीं है। पहले तो आप मल्टीपल मतलब समझो, मल्टीपल ऐसे नंबर होंगे, 11 के मल्टीपल ऐसे नंबर होंगे बच्चों जो 11 की टेबल में आते होंगे, ठीक। एक बात और बताना चाहता हूं, क्या 0 11 का मल्टीपल है, यस सर, 0 भी 11 का मल्टीपल है, चेक कर लो बेटा, 11 जीरोजा क्या होता है 0, भाई 11 इंटू 0 0, तो 0 भी तो 11 की टेबल में आ रहा है, अरे एक स्टेप पीछे चले जाओ, 11 के 1 के पीछे 0 आता है, तो 11 जीरोजा 0, ठीक है, बहरहाल ये हो गया, ये सब 11 के मल्टीपल्स के एग्जांपल है, आपको ये वाला नहीं देखना है तो अब मत देखो, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक, ये सब 11 के मल्टीपल है, तो मल्टीपल मतलब समझ में आ गया। अब वो कह रहा है कि कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल चाहिए, कितने कैसे मल्टीपल चाहिए, 3 चाहिए, टोटल 3 चाहिए और कॉन्सेक्यूटिव चाहिए। कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है बच्चों लगातार आने वाले, आई रिपीट, कॉन्सेक्यूटिव मतलब होता है, कॉपी में नोट लगाएं, लगातार आने वाले, लगातार मतलब एक कॉन्टिन्यूएशन में होना चाहिए, कॉन्टिन्यूएशन ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब समझो बच्चों, देखो ध्यान से समझो, मान लो मैंने आपसे पूछा, देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा टेबल इसका बढ़ा लेते हैं, 11 5 55, 11 6 कितना होता है 66, बच्चों मान लो मैंने आपसे पूछा कि क्या क्वेश्चन सुनना, क्या 22 33 और 44 क्या ये तीनों 11 के कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल हैं, यस सर, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आ रहे हैं, चेक कर लो ना टेबल में, 22 के जस्ट बाद क्या आता है 33 के जस्ट बाद क्या था 44, तो यस दीज आर थ्री कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, यस सर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा क्या 11 ठीक 44 और 66 क्या ये तीनों कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल हैं, नो सर। बच्चों सुनो, ये 11 44 और 66 ये 11 के मल्टीपल तो हैं, ये 11 के टेबल में तो आते हैं, चेक कर लो 11 44 66, ये 11 के मल्टीपल तो हैं, लेकिन ये 11 के कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल नहीं है बच्चों, लगातार नहीं आ रहे, कहाँ लगातार आ रहे, चेक करो 11 के बाद आपने सीधे क्या ले लिया 44 गैप आ गया 22 33 का, फिर आप सीधे जंप करके कहाँ आ गए 66 पे, तो ये तीनों आपके कॉन्सेक्यूटिव 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल के एग्जांपल नहीं है। तो आपको समझ में आ गया 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल का मतलब 3 लगातार आने वाले ऐसे नंबर जो 11 की टेबल में आते हो, ओके।
जैसे कि 44, 56 और 66, इन तीनों को ले लेंगे तो ये भी लगातार आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब वो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। मतलब समझो, कह रहा है कि 11 के टेबल में आने वाले तीन लगातार मल्टीपल अगर हम ले लें और उनका अगर हम सम कर दें, उनको अगर हम ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए, 363। तो अब बच्चे बोलेंगे सर कौन से लें तीनों, यही तो निकालना है, ठीक है, कि कौन से तीन कंसेक्यूटिव मल्टीपल लें, कि 11, 22, 33 लें या 44, 55, 66 लें, ठीक है। तो कौन से ऐसे तीन कंसेक्यूटिव 11 के मल्टीपल लें जिनका सम करने पर कितना आना चाहिए, 363। ये तो हिट एंड ट्रायल से तो आप चेक करोगे तो हो जाएगा ही, जैसे तैसे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बच्चों हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे मैथमेटिक्स का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ओके, और आसानी से हम वो थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 फाइंड करेंगे जिनका सम कितना आता है, 363, यानी कि जिनको ऐड करने पर 363 आता है। कैसे करेंगे सर, इसको आपको सीखना पड़ेगा, देखो कैसे बच्चों, समझो ना। अब एक कॉन्सेप्ट आपको और सीखना है, ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों। मान लो कि मैंने आपको बोला कि भाई 11 का, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला कि 11 का फर्स्ट मल्टीपल 22, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो, मैं आपको 11 का एक मल्टीपल दे रहा हूँ 22। मैंने पूछा बताओ नेक्स्ट मल्टीपल कितना होगा, नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल कितना होगा, ध्यान से सुनो, आप सीधे बता दोगे कि सर नेक्स्ट वाला कितना होगा, 33 होगा, जो कॉन्सेक्यूटिवली आता है उसके साथ लगातार आता हो। मैं पूछूंगा भाई आपने कैसे निकाला, तो आप बोलोगे देखो सर जैसे बचपन में हम चीटिंग करके टेबल बनाते थे, याद है, हाँ, जब याद नहीं आता था, टेबल नहीं याद होता तो क्या करते हो, 22 में अगर हम 11 ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 33। अगर हम 33 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल पूछें तो नेक्स्ट वाला 44, मैंने पूछा आया कैसे, तो बात समझो, ये 44 कैसे आया, तो जवाब है कि 33 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे तो 44 मिलेगा। इसी तरीके से 33 कैसे आया, यानी कि अगर हम 22 में क्या ऐड कर देंगे, 11, तो हमें 33 मिलेगा। मतलब समझो बच्चों, अगर आपको, ध्यान से सुन लो, फिर से बता रहा हूं, अगर आपको 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल में फर्स्ट मल्टीपल मिल गया, ध्यान से सुनो, अगर आपको फर्स्ट मल्टीपल मिल गया, मान लो वो 22 है, तो सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला मल्टीपल कैसे निकालेंगे, जवाब है जो पहला वाला मल्टीपल है ना बच्चों, इसमें आपको जिस भी नंबर का मल्टीपल बोल रहा है, यानी कि 11 का मल्टीपल बोल रहा है, पढ़ो ना क्वेश्चन में, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है, तो वो नंबर इसमें ऐड कर देंगे। तो 22 में अगर हम 11 ऐड कर देंगे, ठीक, क्योंकि 11 की टेबल चल रही है, 11 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो 11 ऐड करोगे तो आपको नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा 33। इसी तरीके से आपको अगर कोई पूछे कि भाई थर्ड मल्टीपल कितना होगा, थर्ड मल्टीपल कितना होगा, तो जवाब है कि इसके थर्ड से पहले वाला जस्ट जो आया होगा सेकंड मल्टीपल, उसमें हम क्या करेंगे, 11 ऐड कर देंगे तो हमें थर्ड मल्टीपल मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं बच्चों, कहां पर, इस क्वेश्चन में। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड, अभी सेकंड भी कराऊंगा, परेशान ना हो, एनसीईआरटी में दोनों दिए, दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो हमने बोला कि लेट, देखो अब जरूरी थोड़ी ना कि फर्स्ट मल्टीपल 22 है, तो अब ये तो मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो बच्चों फर्स्ट मल्टीपल कौन सा होगा 11 का, हमें नहीं पता, टोटल 3 लेने हैं कंसेक्यूटिव, तो फर्स्ट ही नहीं पता है, तो एक्स मान लो, क्या दिक्कत है। तो लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स, लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स बच्चों, ठीक, माना कि फर्स्ट मल्टीपल कितना है, x है, तो सेकेंड मल्टीपल कितना हो जाएगा, हाँ, देन द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मटेरियल मल्टीपल, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, हाँ भाई बताइए बच्चों कितना आ जाएगा, बताओ। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या था, 22, तो नेक्स्ट वाला कैसे मिला, 22 में 11 ऐड किया, वही काम यहां पे कर दो। फर्स्ट मल्टीपल अगर x है तो नेक्स्ट वाला, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कैसे मिलेगा, x में क्या ऐड करोगे, 11, यस सर। बच्चों वहां 22 था, 22 में 11 ऐड किया, ठीक, वो तो मैं आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं ना, ठीक। तो अगर फर्स्ट मल्टीपल x है तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, x में हम क्या करेंगे, 11 ऐड कर देंगे, ये लीजिए बच्चों, ठीक। अब थर्ड मल्टीपल कितना होगा, देन द थर्ड, टोटल 3 लेने ना, then the third consecutive multiple will be, कितना होगा बच्चों थर्ड वाला, सुनो मेरी बात ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड वाला जितना आया होगा
उसमें 11 ऐड कर दो। तो अब सेकंड वाला कितना आया, x प्लस 11। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, सेकंड वाला कितना आया है, x प्लस 11। तो जितना सेकंड वाला आया है ना, वहां तो आपको नंबर दिख रहा था, समझ में आ रहा था भाई 33 है सेकंड वाला, तो उसमें 11 ऐड कर दो। यहां पर हमें नंबर नहीं दिख रहा है, वेरिएबल के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिख रहा है, x प्लस 11 ये सेकंड वाला है, ये सेकंड वाले में 11 ऐड कर दो, तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब देखो क्या होगा यहां, x और प्लस 11 प्लस 11 कितना होता है 22, यानी कि बच्चों थर्ड मल्टीपल कितना आ गया, x प्लस 22 आया। फर्स्ट कितना हो गया x, सेकंड कितना हो गया x प्लस 11, थर्ड कितना हो गया x प्लस 22। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब तो इस तरीके से हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो कुछ भी बोल रहा है बच्चों, ठीक है, ठीक वो आप लगा दीजिए। कह रहा है द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको सम करना है, किसका, थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल का सम करना है, मतलब तीनों को ऐड करना है और किसके इक्वल रखना है, उसका सम कितना आ रहा है 363। मतलब समझो बच्चों, ये रहा फर्स्ट मल्टीपल, कौन, x, ये रहा सेकंड मल्टीपल, कौन, x प्लस 11, ये रहा सेकंड मल्टीपल, ठीक, और ये रहा बच्चों उसका थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल, ठीक, यानी कि x प्लस 22, x प्लस 22, तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करके किसके इक्वल रखना है 363। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो यहां प्लस लगाओगे, सेकंड और थर्ड को ऐड करोगे तो यहां प्लस लगाओगे, ठीक। फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड इज इक्वल्स टू तीनों को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 663। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ये बन गई आपकी क्या, लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जितनी एक्स की वैल्यू आएगी वो फर्स्ट मल्टीपल होगा, x में 11 ऐड कर दोगे तो सेकंड मल्टीपल आ जाएगा, और x में 22 ऐड करोगे तो थर्ड मल्टीपल आ जाएगा, या फिर सीधे फर्स्ट मल्टीपल पता चल जाएगा, उसमें 11 ऐड कर दोगे सेकंड आ जाएगा, सेकंड में 11 ऐड कर दोगे थर्ड आ जाएगा, ठीक है ना। सो नाउ स्टूडेंट्स, और अब ध्यान दें, ये x है और प्लस, ब्रैकेट हटा सकते हो यहाँ से, x प्लस x और प्लस 11 और प्लस ये क्या है, x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 363। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें बच्चों, करना कुछ नहीं, लाइक टर्म्स को पास पास लाओ, x x और x, ठीक। सो x प्लस x प्लस x, तीनों x को पास पास ले आओ, इसको इसको इसको, ठीक, और प्लस 11 और प्लस 22, 11 प्लस 22, ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू 363। कोई बच्चा देख रहा होगा तो वो ये ना कन्फ्यूज हो कि जब हम x को इधर ला रहे हैं इसके पास पास तो साइन चेंज होगा, जी नहीं, x का साइन तभी चेंज होगा जब ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा, यहाँ हम रीअरेंज करेंगे कोई साइन नहीं चेंज होगा, x प्लस x, क्योंकि लाइक टर्म्स है, पास पास लिख लिया, ठीक। सो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। बच्चों याद रखिएगा, x प्लस x प्लस x, जैसे x को अगर 2 टाइम्स ऐड करोगे ना, x प्लस x तो 2x आएगा, x को अगर 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3x आएगा, ठीक, x को अगर 4 टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4x आएगा। गलती से आप इसका आंसर 3x स्क्वायर मत लिख देना, x के ऊपर स्क्वायर मत कर देना, या x के ऊपर क्यूब मत कर देना, ठीक है बच्चों, वो मल्टीप्लाई में करते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सीखोगे आप, ठीक है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x। बच्चों चेक करो ना, एक टॉफी, दो टॉफी, तीन टॉफी, तो कितनी टॉफी, 3 टॉफी। इसी तरीके से x x x कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। ओके, प्लस 11 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 233 मेरे ख्याल से, यस सर, इज इक्वल्स टू में क्या है, 363, यस सर। नाउ अब ध्यान दो, नेक्स्ट यहां से हो जाएगा, 3x कॉपी किया और ये 33 कहां जाएगा, राइट हैंड साइड, सो इज इक्वल्स टू 363। 33 इधर पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, उसके बाद 3x इज इक्वल्स टू, नाउ स्टूडेंट 363 माइनस 33, माइनस करके रफ वर्क में देख लीजिए बच्चों कितना आता है, कहां पे करें, यहां कर दें, 363 में से हमें माइनस करना है कितना, 33। ओके, सो 33 हमने माइनस किया, 3 माइनस 3 होता है बच्चों 0, 6 माइनस 3 होता है 3, और 3 ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, सो आंसर कितना आ रहा है, 330। ओके, सो 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33 कितना हो गया, 330। ओके स्टूडेंट्स, नाउ प्लीज ध्यान दें बच्चों, अब मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक, और अब ध्यान दो, 3x का मतलब क्या होता है, 3 इंटू एक्स कितना आ रहा है, इक्वल टू में आ रहा है 330। अब ध्यान दें बच्चे सभी, यहां पर x में 3 का कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 3 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि और x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 330 डिवाइडेड बाय, ये 3 मल्टीप्लाई था उधर आके डिवाइड, और ये 3 उधर जाएगा तो साइन मत चेंज कर देना, पता लगा माइनस लिख दो यहां ना, 3 1 3। अब देखो बच्चों, 3 1 3 और 3 1 3 और ये वाला 0 एज इट इज हम कॉपी कर लेंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 110। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 110। ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने,
यानी कि जो फर्स्ट मल्टीपल है वो कितना आ जाएगा, द फर्स्ट मल्टीपल कितना देगा, x का वैल्यू 110। तो फर्स्ट मल्टीपल कितना है 110। अब देखो क्या 110 11 की टेबल में आता है, यस सर आता है, 11 टेंजा 110। उसके बाद बच्चों हमें सेकेंड मल्टीपल निकालना है, तो आप यहीं से निकाल सकते हो। देखो 110 में 11 ऐड कर दो तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, या फिर x की वैल्यू में 11 ऐड कर दो तो x प्लस 11 है ना, करके दिखा दूं कहीं पे, यहाँ पे कर दूं। देखो सेकेंड मल्टीपल कितना हो जाएगा x प्लस 11, x का वैल्यू कितना आया 110, सो 110 प्लस 11 है ना, कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 और 1 121। ओके तो सेकेंड मल्टीपल कितना होगा 121, सीधे ना 110 में आप 11 ऐड कर दो 121 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड मल्टीपल कितना होगा बच्चों, थर्ड मल्टीपल होगा x प्लस 22 है ना, यहीं पे करके दिखा दूं। देखो यानी कि x प्लस 22 बच्चों, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है 110, सो 110 और प्लस 22 करिए स्टूडेंट्स, कितना आ जाएगा 2 प्लस 0 2 2 प्लस 1 3 132। सो थर्ड मल्टीपल कितना हो गया 132। ओके या आप सीधे भी कर सकते थे, 121 में 11 ऐड कर दो भाई, सेकंड वाले मल्टीपल में 11 ऐड करोगे तो थर्ड वाला मिल जाएगा, ठीक। तो यानी कि थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल कौन कौन से हैं, 110, 121 और 132। अब अगर बच्चे फील नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको आंसर चेक करके दिखा देता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स प्लीज, नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो। अब देखो बच्चों पता है आपको, देखिए क्या चल रहा है, गेम क्या चल रहा है वो आप समझो। गेम ये चल रहा है कि 11 की टेबल अगर आप पढ़ोगे, 11 टेंजा कितना होता है 110, फिर 11 11जा कितना होता है अगर हम 10 के बाहर जाएं टेबल, 11 11जा 121 और 11 12जा कितना होता है 132। चेक कर लो ना, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 132। अब चेक कर लो ये तीनों कंसेक्यूटिव ही तो हैं, लगातार ही तो आ रहे हैं 11 के मल्टीपल बच्चों, 110 121 132 लगातार कंसेक्यूटिव ही तो हैं। और अगर हम इसका सम करें, ये फर्स्ट मल्टीपल है और ये 121 सेकंड मल्टीपल है और 132 थर्ड मल्टीपल है, अगर हम इनको सबको ऐड कर दें तो आंसर कितना आना चाहिए 363, ठीक है। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही, अदरवाइज गलत है, चेक करो। इन तीनों को ऐड करना आता है, यस सर आता है, 110 प्लस 121 प्लस 132, ठीक। देखो 1 प्लस 0 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 6 और 1 प्लस 1 प्लस 1 3, लो 363 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट मेथड है। अब आपको मैं सेकेंड मेथड बच्चों बताने जा रहा हूँ, उससे भी आंसर आपका यही आएगा, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में ग्रीन बॉक्स के अंदर डिस्कस किया है, तो उससे भी सीख लीजिए, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए पहले। फ्रेंड्स सेकेंड मेथड जो होगा आपका, ठीक है, सेकेंड मेथड में आपको सोचना पड़ेगा, सेकेंड मेथड में आपको एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। देखिए बच्चों मान लीजिए कि आपके पास कोई 11 का मल्टीपल है 66, तो अगर हम आपसे पूछेंगे इसके जस्ट प्रीवियस वाला, इसके जस्ट पहले वाला कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर एक काम करो 66 में से 11 माइनस कर दो 55 आएगा। फिर हमने पूछा 55 से जस्ट पहले वाला कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 55 में से 11 माइनस कर दो 44 मिलेगा। अब आप चेक कर लो ये वाला ये वाला ये वाला कंसेक्यूटिव ही तो है, लगातार ही तो आते हैं 44 55 66। मतलब इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, है ना, यानी कि सबसे बड़ा वाला मल्टीपल को हम x मानेंगे, x में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमें उसके पहले वाला मल्टीपल मिलेगा, फिर जितना आएगा उसमें से फिर हम 11 माइनस करेंगे। अभी हम क्या करते थे, अभी हम ऊपर से नीचे चल रहे थे, 44 में 11 ऐड करोगे तो कितना 55 में 11 ऐड करोगे 66। अब हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं, ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, करेक्ट। यानी कि हम इस बार क्या करेंगे, हम इस बार बच्चों फर्स्ट मल्टीपल को कितना अज्यूम करेंगे, बात समझो, हमने इस बार, अब मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ समझ जाना, ठीक। चलो नीचे से ऊपर कर दें तब आपको फील आ जाएगा, देखो यहाँ ऐसे कर दे रहे, ठीक, फर्स्ट मल्टीपल 11 का हमने अज्यूम किया कितना x, हो सकता है होगा कुछ, तो इसके जस्ट पहले वाला सेकेंड मल्टीपल ऑब्वियसली इससे छोटा होगा, कितना होगा, जो आपका फर्स्ट मल्टीपल है उसमें हम क्या करेंगे 11 माइनस करेंगे, ठीक। फिर थर्ड मल्टीपल जो होगा कैसे निकालोगे, सुन लो ध्यान से, सेकेंड मल्टीपल जो आया है ना उसमें 11 माइनस कर दो बच्चों, ठीक, यानी कि x माइनस 11 में हम क्या करेंगे, देखो ये तो सेकेंड हो गया, इसमें फिर से आप 11 माइनस कर दो, लो और आपका आंसर क्या आएगा, ये तो करना आता है, ये वाला x ऐसे ही कॉपी कर देंगे, ठीक। बच्चों सुनो, ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और साइन लगेगा माइनस का, है ना,
तो दोनों को ऐड कर दो, 11 प्लस 11 22 और आगे लगेगा माइनस, ठीक। तो x माइनस 22, अब आप देख रहे हो ये रहा फर्स्ट मल्टीपल x, x माइनस 11 सेकेंड है और x माइनस 22 थर्ड है, ठीक। अब करना कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, हम तीनों मल्टीपल का सम कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकेंड मल्टीपल और प्लस थर्ड, कौन से कंसेक्यूटिव लगातार तो आ ही रहे हैं ये दोनों, है ना, ये तीनों है ना, सो इज इक्वल्स टू तीनों को सम करके कितना आना चाहिए, 363। नाउ फर्स्ट मल्टीपल कौन है, x है, तो इसकी जगह हम रखेंगे x प्लस, सेकेंड मल्टीपल कौन है, चेक करो x माइनस 11, ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड मल्टीपल की जगह हम x माइनस 11 रखेंगे और प्लस थर्ड मल्टीपल कितना है, थर्ड मल्टीपल है x माइनस 22, तो थर्ड मल्टीपल की जगह हम कितना रखेंगे, x माइनस 22 और इक्वल टू कर देंगे 363 के, करेक्ट। नाउ अब बच्चों बाकी आप समझदार हो, करना कुछ नहीं इसमें, x प्लस x प्लस x तीनों x मिलके 3x हो जाएगा। नंबर देखिए क्या क्या बचा, माइनस 11 बचा और माइनस 22 बचा, कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू कितना बचा, 363। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, करना कुछ नहीं है इसमें, 3x ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 22 प्लस 11 33, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 22 बड़ा है 11 से, इसका साइन माइनस है, माइनस में आएगा, इज इक्वल्स टू 363। नाउ बच्चों अब आप ध्यान से चेक करो, माइनस 33 कहाँ जाएगा, राइट में, तो प्लस 33 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल्स टू 363 और प्लस 33, ओके स्टूडेंट्स। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 363 और प्लस 33, यहाँ पे करके दिखाता हूँ बच्चों, 363 और प्लस 33 ऐड करें प्लीज़, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 होता है 9 और यहाँ पे आ गया कितना 3, ओके स्टूडेंट्स। नाउ तो कितना हो गया, 396। बाकी आप लोग समझदार हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा ये 3x का मतलब क्या होता है, 3 इंटू एक्स, तो 3x में मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 396 अपॉन 3। नाउ 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, 3 थ्री जा 9 और 3 टू जा 6, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 132। चेक कर लो बच्चों, फर्स्ट मल्टीपल मतलब सबसे नीचे वाला जो सबसे बड़ा था वो x है, यानी कि वो कितना है, 132। नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा, x में से 11 माइनस करोगे, यानी कि 132 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा, 121, ठीक। उसके बाद जो थर्ड वाला होगा वो मल्टीपल कितना होगा, x माइनस 22, यानी कि बच्चों 132 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 110। तो देखा आपने मल्टीपल्स अभी भी वही आ रहे हैं, 132, 121 और 110, ओके स्टूडेंट्स, देख लीजिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाली प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से भी कभी कभी हैंडल किया जा सकता है, खासकर ये मल्टीपल वाली प्रॉब्लम, ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 एनसीईआरटी पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 10 में द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, ओके बच्चों टू होल नंबर होंगे कोई, उनका डिफरेंस कितना है, उनका डिफरेंस कितना है, 66 है, ओके बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5, दोनों जो होल नंबर है उनका अगर हम रेशियो लें तो कितना आता है, 2:5। कह रहा व्हाट आर द टू नंबर्स, दोनों नंबर बताइए, मतलब समझो बच्चों, मतलब समझो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है, 66 है, मतलब दो नंबर होंगे, फर्स्ट वाले में से ऑब्वियसली बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, अगर डिफरेंस का मतलब माइनस करना, ठीक। तो बड़े वाले में से अगर हम छोटे वाले को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 66, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, अगर दोनों नंबर का रेशियो लें तो 2:5 होना चाहिए, बताओ दोनों नंबर क्या है। तो बच्चों ध्यान सुनिए, क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, जब भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं, कभी भी अगर आपको रेशियो वाले क्वेश्चन दिए होते हैं बच्चों एग्जाम में, ठीक, तो आपको क्या करना है, कैसे ज़ूम करना है, जितना रेशियो दिया होता है, जैसे 2:5 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट नंबर को आपको 2x मानना है, ठीक, फर्स्ट नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे 2:5 है रेशियो, तो फर्स्ट नंबर को, ये जो फर्स्ट नंबर 2 है उसको x से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × x, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2x, ठीक। और जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर कैसे हम अज्यूम करेंगे, सेकंड नंबर हम कैसे अज्यूम करेंगे, कुछ नहीं करना है, अब 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेकंड नंबर 5 × x, यानी कि 5x आ जाएगा। कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन अगर दिए हो तो x से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रेशियो में नंबर लिखे होते हैं, 2 को x से करो तो 2x, फर्स्ट नंबर 2x हो गया, सेकंड नंबर कितना हो गया,
5 into x 5x, ठीक। अभी क्लियर नहीं हुआ, सुनो मैं बताता हूँ। मान लो हमें बच्चों एक क्वेश्चन दिया होता कि दो नंबर का रेशियो, टू नंबर का रेशियो है 3:7, मान लो ऐसा दिया होता 3:7, तो पता है फर्स्ट नंबर क्या होता आपका, 3 को x से मल्टीप्लाई करते 3x, और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाता, 7 को मल्टीप्लाई करते x से 7x हो जाता, ठीक। मान लो बच्चों उसने बोला कि टू नंबर का रेशियो है लेट अस से 9:8, मान लो ऐसा आ गया क्वेश्चन, टू नंबर्स का रेशियो 9:8 है, तो बताइए फर्स्ट नंबर, अब तो आप बता सकते हो, बताओ फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 9 into x, यानी कि 9x, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 8 into x 8x, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होंगे तो x x से मल्टीप्लाई करके हम नंबर्स को अज्यूम कर लेते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी कॉपी में लिखा लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 2x, एंड द सेकेंड नंबर बी स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, सेकेंड नंबर 5x, ओके ये हो गया, ठीक। अब बस कुछ नहीं करना है। अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो कुछ बच्चे या कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसा हम क्यों करते हैं कि फर्स्ट नंबर को 2x और सेकंड नंबर को 5x, पता है क्यों करते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला भाई फर्स्ट नंबर कितना है 2x है और सेकंड नंबर कितना है 5x है। सुनो ध्यान से, अगर हम इसका रेशियो लेते हैं बच्चों, किसका, फर्स्ट नंबर का रेशियो किसके साथ, सेकेंड नंबर के साथ, तो आंसर कितना आना चाहिए 2:5, मेरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये लिखा हमने फर्स्ट नंबर और इसका रेशियो लो सेकंड के साथ, रेशियो मतलब आप ये समझ लो, अभी रेशियो का वैसे तो टेक्निकल मीनिंग होता है वो हम बाद में सीखेंगे, है ना, रेशियो वाले चैप्टर में, अभी आप ये समझो कि फर्स्ट नंबर को उठाकर अगर हम डिवाइड लगाएं किससे, सेकंड नंबर से, चेक करो फर्स्ट नंबर को अगर हम डिवाइड लगाएं किससे, सेकंड नंबर से, तो आंसर कितना आना चाहिए, फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड लगाओगे समझ लो रेशियो निकाल रहे, ठीक, तो आंसर कितना आना चाहिए 2:5, चेक करो ये फर्स्ट नंबर है ये सेकंड नंबर है, रेशियो निकाला बेटा, एक बार बताओ 2 x का मतलब क्या होता है 2 into x, ठीक है, और बच्चों 5x का मतलब क्या होता है 5 into x, ये मतलब होता है, अब आप चेक कर लो 2x और 5x में कॉमन फैक्टर क्या है, x ही तो है, तो ये x कट जाएगा, वापस कितना आएगा 2/5, 2/5 का मतलब क्या होता है 2:5, मतलब समझो, हम सोच रहे थे कि हाँ भाई ऐसे कोई दो नंबर होंगे जिनका रेशियो लेने पर कितना आ रहा होगा 2:5, और आया क्यों होगा, जरूर जब हमने फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड किया होगा तो इसका कॉमन फैक्टर कट गया होगा, और वो कॉमन फैक्टर क्योंकि हमें नहीं पता होता है इसलिए उस कॉमन फैक्टर को हम x मान लेते हैं, इसलिए हम 2 में x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर को 2x बोलते हैं और सेकंड नंबर में x से मल्टीप्लाई करके हम सेकंड नंबर को 5x मानते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, सीनियर क्लासेस में पहुंचोगे तो पता चल जाएगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी के लिए बस आपको ये सोचना है कि जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट नंबर को 2x और सेकंड नंबर मतलब x से मल्टीप्लाई करके हम इस तरीके से अज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2:5 है तो फर्स्ट नंबर 2x और सेकंड नंबर 5x, ओके अब ठीक है, वेरी गुड, ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, अब उसने आपको बोला है क्या कि टू नंबर का डिफरेंस कितना है, टू होल नंबर्स का डिफरेंस कितना है 66। बच्चों एक बात बताइए, इतने तो आप भी समझदार हो कि फर्स्ट होल नंबर अगर 2x है और सेकंड होल नंबर 5x है, बताओ कौन बड़ा है दोनों में से, बताओ कौन बड़ा है, इतने तो समझदार हो, ऑब्वियसली 5x बड़ा है बेटा और 2x क्या है, छोटा है, देख के लग रहा है, ठीक है, 5x इज ग्रेटर देन 2x, ये तो पूरी दुनिया को पता है भाई, 5x इज ग्रेटर देन व्हाट 2x, ओके बच्चों, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप डिफरेंस लोगे ना बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर, उसने ये नहीं बोला कि पहले वाले में से दूसरे को माइनस करो या दूसरे वाले में से पहले को, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है किसमें से किसको माइनस करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, बच्चों छोटे में से बड़े को मत माइनस कर देना, डिफरेंस करने का मतलब माइनस करना है, तो 2x माइनस 5x करोगे तो रॉन्ग आ जाएगा भाई, आपने बोला सर मैंने डिफरेंस ले लिया और लो 66 रख दे रहा हूँ, बच्चों यहाँ से मजा नहीं आएगी बात, नो क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस 3x इज इक्वल टू 66 ऐसा आ जाएगा, तो बच्चों नेगेटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओ क्योंकि राइट हैंड साइड कैसा है, चेक करो राइट हैंड साइड कैसा है, पॉजिटिव नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास माइनस आ रहा है, कभी नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव के थोड़ी ना इक्वल होती, इसलिए बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाओगे, अगर ये भी नहीं समझ में आया तो परेशान ना हो, धीरे धीरे आप बड़े होगे सीनियर क्लासेस में जाओगे आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल अभी आपको ये करना है बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, तो बड़ा कौन 5x, छोटा कौन 2x, ठीक, तो इनका डिफरेंस निकालना, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, और जब डिफरेंस ले लिया दोनों होल नंबर का
तो ये डिफरेंस किसके इक्वल आता है, 66 के, ऐसा उसने बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है। चेक कर लो, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला इज इक्वल टू 66। अब करना कुछ नहीं है, सॉल्व कर लीजिए। बताओ 5x माइनस 2x कितना होगा, 3x बाई 5 माइनस 2 कितना होता है बेटा, 3, और साथ में आएगा x, और ये प्लस था, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा प्लस का बड़े नंबर का, सो प्लस 3x प्लस तो लिखा नहीं जाता है तो हम नहीं लिखेंगे, 5x माइनस 2x 3x इज इक्वल टू 66। अब 3x का मतलब 3 इंटू x होता है इज इक्वल टू 66, x में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, यानी कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू कितना आएगा, 66 बाय 3, यहां पे 3 आ जाएगा। नाउ 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, 22। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने देखा कि x की वैल्यू आई है, लेकिन क्या ये आपका आंसर है? नो सर, ये आंसर थोड़ी ना है बेटा, उसने नंबर्स पूछे थे तो नंबर तो निकालो। फर्स्ट नंबर कितना था, 2x, और सेकंड नंबर कितना था, 5x, तो बात समझो। अब हम आंसर अभी आपको दिखा रहे हैं, पहले इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए स्टूडेंट्स प्लीज, कॉपी कर लिया, चलो। सो अब हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से चेक करो, 1st नंबर कितना था हमारा बच्चों, हमने क्या माना था, 2x, 2x का मतलब क्या होता है, 2 into x, यानी कि बच्चों फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, यहां पे करता हूं 2 into x का वैल्यू कितना है, 22। अब चेक कर लो, 2 into 22 44, यानी कि एक नंबर तो क्या है, 44 होल नंबर है, चेक कर लो, ठीक। और सेकंड नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर 5x, ओके, सो 5x, यानी कि 5 into x, ओके, सो वैल्यू रखो बच्चों, 5 into x कितना है, 22 है, ओके, सो 22, नाउ सॉल्व करिए, 5 into 22 कितना होता है बेटा, साइड में कर लो कहीं पे, 22 into 5, 5 2 जा 10, 1, 5 2 जा 10 plus 1, 11, कितना आ रहा है, 110 आ रहा है, करेक्ट, सो 110, यानी कि बच्चों वो दो नंबर हमारे क्या है, 110, वो टू होल नंबर हमारे 110 और 44 हैं, जिनका रेशियो अगर हम लेते हैं तो कितना आता है, 2:5, और जिनका डिफरेंस कितना आता है, 66। चेक कर लो आप, डिफरेंस अगर हम निकालें, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, आंसर चेक करना है, चेक कर लो, देखो 110 में से अगर हम 44 माइनस करें, 10 माइनस 4 6, और यहां बचेगा कितना, 0, 10 माइनस 4 6, देखिए डिफरेंस कितना आ गया, 66। और अगर हम इनका रेशियो ले, फर्स्ट इस टू सेकेंड रेशियो का, नंबर का रेशियो ले, यानी कि 44:110 अगर हम करें, रेशियो लेने का मतलब है क्या, देखो 44 को आप क्या लिखोगे, 2 into 22, ठीक, और 110 को आप क्या लिखोगे, 5 into 22, लिख सकते हो कि नहीं, तो चेक करो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 22 कैंसिल हो गया, ठीक, तो कितना आ गया, 2:5, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही, दोनों का रेशियो लेने पे 2:5 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस लेने पे 66 आ रहा है, ओके, सो फर्स्ट नंबर 44 है और सेकंड नंबर आपका 110 है, ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पेज नंबर 27 एग्जांपल नंबर 11 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ठीक। देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट यूज होंगे आपके एग्जांपल नंबर 8 जैसे, बंसी हैज 3 टाइम्स एज मनी, ये वाला क्वेश्चन आपने देखा था पेज नंबर 26 में, फिर भी मैं आपको यहां पर फिर से समझाता हूं। कह रहे कि देवशी हैज अ टोटल ऑफ रुपीज 590 एज करेंसी नोट्स, ओके बच्चों, तो देखिए देवशी के पास जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, इसके पास देवशी के पास जो टोटल अमाउंट है, ध्यान से बच्चों चेक करें, ये देखिए ये टोटल जो अमाउंट है इसके पास कितना है पता है, ये है रुपीज 590, ओके स्टूडेंट्स, ठीक, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन द डिनोमिनेशंस ऑफ रुपीज 50, रुपीज 20, रुपीज 10, बच्चों समझो, देवशी नाम की कोई बच्ची होगी, ठीक, उसके पास रुपीज 590 है टोटल, करेक्ट, ठीक, तो ये एक बच्ची है, ठीक, ये इसके पास है रुपीज 590, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, देखिए इसके पास कुछ नोट्स तो है रुपीज 50 के, कितने हैं ये हमें नहीं पता, कुछ नोट्स हैं, कुछ नंबर ऑफ नोट्स हैं रुपीज 50 के, ठीक, तो इसके पास है रुपीज 50 के कुछ नोट्स, उसके बाद इसके पास कुछ नोट्स तो है रुपीज 20 के, ठीक, उसके बाद इसके पास कुछ नोट्स है रुपीज 10 के। अब समझो बच्चों, ध्यान से सुनिए मेरी बात, रुपीज 50 के कितने नोट्स हैं हमें नहीं पता अभी, रुपीज 20 के कितने नोट्स हैं हमें नहीं पता, भाई कुछ नंबर ऑफ नोट्स होंगे ना रुपीज 50 के, रुपीज 10 के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं हमें नहीं पता, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि 50 रुपीज की वजह से जो अमाउंट होगा, 10 20 रुपीज के जितने भी नोट्स होंगे उनकी वजह से जो टोटल अमाउंट होगा,
और रुपीज टेन के जितने भी नोट्स होंगे उनकी वजह से जो अमाउंट होगा, सारे अमाउंट्स को सम करने पर उसके बाद टोटल अमाउंट कितना है, रुपीज 590 है, ठीक है ना। अब आपको लास्ट में उसने यही क्वेश्चन पूछा, बीच में तो कंडीशन दी, लास्ट में आपको यही पूछा कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, ठीक, मतलब समझो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज का मतलब ये है कि वो कहना चाहता है कि भाई 50 रुपए के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, ₹20 के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं और ₹10 के कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिए, हमें कुछ ना कुछ बच्चों कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी और वो कंडीशन है यहां पे, पढ़िए बीच में, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 एंड ₹20 इज 3:5, मतलब समझो बच्चों, कह रहा है कि ₹5 के जितने भी नोट्स होंगे हमें नहीं पता, ₹20 के जितने भी नोट्स होंगे हमें नहीं पता, लेकिन बच्चों ₹50 के जितने भी नोट्स हैं और ₹20 के जितने भी नोट्स हैं उसका अगर हम नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो ले लें तो रेशियो कितना आता है, 3:5। ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए, यहां से ये कंडीशन लिखी हुई, कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ₹50 रेशियो लेना है, किसका किसका, नंबर ऑफ ₹50 का किसके साथ रेशियो लेना है, नंबर ऑफ ₹20 के साथ लेना है और रेशियो कितना आता है, 3:5। मतलब समझो बच्चों, मतलब वो ये कहना चाहता है सॉल्यूशन में, देखिए वो ये कहना चाहता है कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ ₹50 का अगर हम रेशियो लें, रेशियो मतलब डिवाइड लगा दें, ये समझो आप, ठीक, तो नंबर ऑफ ₹50 का अगर हम रेशियो लें किसके साथ, नंबर ऑफ ₹20 के साथ, तो ये जो रेशियो है ना बच्चों ये कितना आना चाहिए, 3:5, कितना आना चाहिए, 3:5, 3:5 का मतलब पता है 3/5, ऐसे समझ लो आप, ठीक है बच्चों, ये रेशियो आना चाहिए, 3:2 का मतलब डिवाइड करना होता है, ऐसे समझ लो अभी आप, बहुत टेक्निकली तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन जस्ट वो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक। नंबर ऑफ ₹50 नंबर ऑफ ₹20 का रेशियो ले, मतलब जितने भी नोट्स हैं किसके, ₹50 के जितने भी नोट्स हैं ₹20 के उनका अगर हम रेशियो ले लें तो कितना आता है, 3:5, यानी कि 3/5। ध्यान से सुनो बच्चों, मैंने आपको बताया जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम x से मल्टीप्लाई करके अज्यूम करते हैं चीज़ों को, ध्यान से सुनिए, यहां पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ₹50 को कितना मान लेंगे भाई, नंबर ऑफ ₹50 के लिए आपको नंबर दिया हुआ है कितना, 3, तो 3 में हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझो, देखो उसने पहले बात करी है नंबर ऑफ ₹50 की, ठीक, तो 3 में अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे, x एक वेरिएबल है कोई भी, ठीक है, 3 में अगर x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x आएगा, ठीक, तो ₹50 के कितने नोट्स हो जाएंगे, 3x, और इसी तरीके से 5 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹20 के कितने नोट्स हो जाएंगे, 5x, ओके, ठीक, तो हमने अपनी कॉपी में लिखा, बात समझिए बच्चों, हमने अपनी कॉपी में लिखा लेट द नंबर ऑफ ₹50 बी कितना हो जाएगा बच्चों, ₹50 के कितने नोट्स हो जाएंगे, 3x, ओके, इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ ₹20 बी व्हाट, हाँ भाई 20 के कितने नोट्स आएंगे, नीचे 5 है ना, नीचे क्या लिखा, नंबर ऑफ ₹20 नोट्स है ना, तो 5x यानी कि ₹20 के कितने नोट्स हैं, 5x हैं, ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये चीज़ हो गया, ओके, वेरी गुड। नाउ अब एक बात मैं आपको फील ये कराना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग, कोई बच्चे पूछते ना मेरे को कि सर x से क्यों मल्टीप्लाई किया, सर अजम्पशन करने के लिए x से क्यों मल्टीप्लाई किया, बेटा इसलिए किया, क्योंकि ध्यान से चेक करो, अगर हम फिर से जाके सोचें और नंबर ऑफ ₹55 का और नंबर ऑफ ₹20 का अगर हम रेशियो निकाल लेना, चेक करो, नंबर ऑफ ₹50 आपने कितने माने, 3x, और नंबर ऑफ ₹20 आपने कितने माने, 5x, है ना, तो बच्चों चेक करो, 3x का मतलब 3x होता है, 5x का मतलब 5x होता है, वापस x कटेगा और रेशियो कितना आ जाएगा, 3/5, यानी कि 3:5, ठीक। अब बात समझ में आई, एक्स मानने से ये हो जाता है कि नंबर ऑफ ₹50 के जितने नोट्स थे और 20 के जितने नोट्स, वापस अगर उसका रेशियो ले तो वापस वही आएगा जो क्वेश्चन में दिया था, यानी कि क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सुनो, कोई भी दो क्वांटिटी का अगर हम बेटा रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो रेशियो क्यों आता है, रेशियो इसलिए आता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है ना वो कट जाता है,
चेक करो भाई 3x और 5x में कॉमन फैक्टर क्या है, x से x x कटेगा तभी तो 3:5 होगा, और यही x अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि ये x अगर पता चल जाएगा तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, 3x क्या है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50, तो ₹50 के नोट्स हमें पता चल जाएंगे, यही x अगर हमें पता चल जाए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹20 के कितने नोट्स है, 5x आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ होती है, ठीक। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि x से हम क्यों मल्टीप्लाई करके जब भी रेशियो दिया होता है तो हम अजम्पशन करते हैं, ठीक है, ओके। नाउ अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, कह रहा है इफ शी हैज अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, मतलब उसके पास टोटल नोट्स कितने 25 नोट्स है, टोटल नोट्स कितने हैं 25 नोट्स है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, देखो हमने दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ₹50 के कितने नोट्स हैं ये अज्यूम कर लिया 3x, ₹20 के कितने नोट्स हैं 5x है। बच्चों उसके पास ₹10 के भी तो नोट्स हैं भाई, ₹10 के भी तो कुछ नोट्स हैं, वो तो अभी तक नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। तो ₹10 के कितने नोट्स हैं ये नहीं पता चल पा रहा है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे जो कंडीशन दी है उसको हम ठीक से पढ़ेंगे। कह रहा है इफ शी हैज टोटल ऑफ 25 नोट्स, मतलब बच्चों सुनो उसके पास टोटल कितने नोट्स हैं 25 है। देखो बच्चों डिफरेंस होता है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, टोटल अमाउंट कितना है अगर कोई पूछे 590, लेकिन टोटल नोट्स कितने हैं 25। भाई नोट को काउंट करना अलग बात है और उसकी वजह से अमाउंट आना अलग बात है, बात समझो ना भाई। नोट तो मान लो आपके पास 10 नोट्स हैं टोटल, अब 10 नोट्स की वजह से अमाउंट तो कुछ अलग हो सकता है ना भाई, 10 नोट्स में क्या पता 50 के 2 नोट्स हो, ठीक, 20 के आपके पास 5 नोट्स हो और बचे हुए 3 नोट्स 10 के हो, तो अमाउंट तो अलग आएगा ना, तो अमाउंट अलग चीज होती है। और टोटल नंबर ऑफ नोट्स जब बोलता है या टोटल नोट्स बोलता है तो वो नोट्स की काउंटिंग कर रहा है, चाहे वो 50 के नोट हो, चाहे वो 20 के नोट हो, चाहे 10 के नोट हो, सबके नंबर्स को ऐड करके तब कितना आना चाहिए 25। बात ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सुनिएगा, द एनओ का मतलब नंबर है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स प्लस द नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स और प्लस द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स। हाँ भाई बताओ, तीनों नोट्स की संख्या को अगर हम ऐड कर दें, तीनों नोट्स के नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें तो बच्चों कितना आना चाहिए 25 नोट्स। चेक कर लो, कुछ तो 50 रुपीज के नोट्स होंगे, कुछ 20 रुपीज के नोट्स होंगे और कुछ 10 रुपीज के नोट्स होंगे, तीनों के नंबर को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 25 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां से और लगाया हमने द नंबर ऑफ रुपी 50 नोट्स, हाँ भाई इसकी जगह आप क्या रखोगे, द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स बताइए, 50 रुपीज के कितने नोट्स अज्यूम करें अभी आपने 3x, तो 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स कितने हो गए 3x, ये वाला प्लस लगा है लगा दो, द नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स, बच्चों रुपीज 20 के कितने नोट्स हैं अभी अज्यूम किया था 5x, तो द नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स हो गया 5x, और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया और आगे क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है उसको कॉपी कर दो, क्योंकि अभी तक नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स हमें नहीं पता चले, तो हमने इसको कॉपी कर दिया, द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स ठीक इज इक्वल्स टू में क्या था 25, कॉपी कर दो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप बच्चों, 3x प्लस 5x कितना होता है 8x, भाई चेक करो 8x स्क्वायर मत कर देना, ऐड कर रहे हैं 5 प्लस 3 8 और साथ में x, सो ये दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा 8x, सो 5x प्लस 3x, 3x प्लस 5x 8x, और ये वाला प्लस कॉपी करेंगे और यहां से क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल्स टू 25। अब मेरी बात ध्यान से सुने, क्या यहां से आप द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स निकाल सकते हैं x के टर्म में, यस सर, कैसे सर, ये वाले 8x को, ये 8x इधर है लेफ्ट में तो प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, ठीक है बच्चों पहले इतना कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों इतना कॉपी करें प्लीज, फटाफट वीडियो पॉज करके बच्चों कॉपी कर लीजिए प्लीज, कॉपी कर लीजिए, कर लिया
ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा साइड में बच्चों कहीं लिख लेते हैं, टोटल अमाउंट तो इतना है ना, और रुपीज़ 50 के कितने नोट्स हैं, रुपीज़ 50 के कितने नोट्स हैं, अभी आपने अज्यूम किया ना, चेक कर लो रुपीज़ 50 के कितने नोट्स हैं, 3x नोट्स, ठीक है 3x नंबर ऑफ नोट्स। रुपीज़ 20 के कितने हैं, लिख लेते हैं भी काम आएगा है ना, रुपीज़ 20 के कितने नोट्स हैं, 5x नोट्स, 5x नोट्स। और रुपीज़ 10 के कितने नोट्स हैं, ये भी हम निकालने जा रहे हैं, और निकाल के यहाँ पे हम रख लेंगे। रुपीज़ 10 के कितने नोट्स हैं, इस लड़की की शक्ल हम यहाँ से हटा देते हैं बच्चों, ठीक। रुपीज़ 10 के कितने नोट्स हैं, ये भी हम निकालेंगे, ठीक है। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ओके चलो अब ध्यान देंगे बच्चों क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ से। नाउ देखिए अभी तक हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है लेफ्ट में 8x है ना, सो 8x और प्लस आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल्स टू कितना है, 25 है, ठीक। अब ध्यान से सुनो, ये वाला 8x को राइट में भेज दो बच्चों, तो 8x के आगे कुछ नहीं मिला, प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो यहां से आ जाएगा हमारे पास, ये स्टेटमेंट ऐसे ही बच जाएगा, यानी कि द नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज गिवन बाय या इज इक्वल्स टू 25 माइनस 8x। ये वाला 8x राइट में जाएगा, इक्वालिटी के राइट में, इक्वल के राइट में, तो माइनस हो जाएगा। यानी कि अब पता चल गया कि नंबर ऑफ रुपीज 10 के कितने नोट्स हैं, 25 माइनस 8x। तो रुपीज 10 के कितने नोट्स हैं, 25 माइनस 8x। अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाए तो बात आपकी बच्चों बन जाएगी, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 के कितने नोट्स हैं पता चल जाएगा, x को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीज 20 के कितने नोट्स हैं, इसी तरीके से 25 माइनस 8x निकालोगे तो 10 के कितने नोट्स हैं ये आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनो, पता है आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते थे, कैसे, ध्यान सुनो, 50 के कितने नोट्स हैं, 3x, ठीक, 20 के कितने नोट्स हैं, 5x। तो ध्यान से सुनो, टोटल नोट्स कितने हो जाएंगे, 8x, किसकी वजह से, 50 रुपीज़ के कितने नोट हैं और 20, मतलब समझो 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, तो हमने टोटल नोट्स 50 रुपीज़ वाले 20 रुपीज़ वाले कैलकुलेट किए तो 8x आए, ठीक। लेकिन अभी 10x के तो नोट बचे हुए हैं ना, ध्यान सुनो बच्चों, 50 के और 20 के टोटल नोट्स कितने हैं, 8x, और टोटल नोट कितने थे, 25, भाई 10 का भी तो होगा, तो 25 में से अगर हम इन दोनों के नंबर ऑफ नोट्स का सम माइनस कर दें, टोटल नोट्स में से अगर हम क्या माइनस कर दें कि 50 रुपीस के कितने नोट्स हैं और 20 रुपीस के कितने नोट्स हैं, तो जो कुछ भी आएगा वो 10 रुपीस के ही तो नोट होंगे, भाई सिंपल सी बात है, भाई टोटल नोट कितने हैं, 25 में से हमने क्या किया, 50 रुपीस के कितने नोट हैं और 20 रुपीस के कितने नोट हैं, दोनों का सम अगर हम डायरेक्ट माइनस कर देते, ठीक है, मतलब 3x प्लस 5x 8x, तो ये जो कुछ भी आएगा बचा हुआ 10 रुपीस के तो नोट होंगे, आई थिंक आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने आपको इक्वेशन से बता दिया कि भी कुछ बच्चे डायरेक्ट नहीं सोच सकते है ना, सो आसान सी बात है। अब सुनो, इतना हो गया, ठीक है, अब सुनो बच्चों ध्यान से, देखिए एक बात बताइए कि 50 रुपीस के कितने नोट्स हैं, 3x, देखो मेरी बात ध्यान सुनना बच्चों, अगर आपके पास 50 रुपीस का वन नोट है तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 50 रुपए। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपीस के टू नोट्स हैं, वन नोट टू नोट, ठीक, तो आपके पास कितना रुपए होगा, सोचो 2 × 50 होगा कि नहीं, यानी कि अब आपके पास 100 होगा। अगर आपके पास 50 रुपीस के थ्री नोट्स हैं तो आपके पास 50 रुपीस के थ्री नोट्स की वजह से अमाउंट कितना हो जाएगा, 3 × 50 यानी कि 150, मतलब समझो बच्चों, ये हम आपको एग्जांपल नंबर 8 में भी बता चुके हैं। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, किसी नोट की वजह से या किसी क्वाइन की वजह से जो अमाउंट आता है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ नोट्स या क्वाइंस, क्वाइन होते हैं कभी कभी, नंबर ऑफ नोट्स इंटू डिनोमिनेशन। अब ये क्या है सर, सुनो ध्यान से मेरी बात, देखो देवशी has अमाउंट नंबर वन, अमाउंट फ्रॉम रुपीज 50 नोट्स। बच्चों रुपए 50 की वजह से उसके पास कुछ अमाउंट होगा,
रुपए 20 की वजह से कुछ अमाउंट होगा और रुपीज 10 वाले नोट्स की वजह से कुछ अमाउंट होगा, तो वही हम निकालने आ रहे हैं कि रुपीज 50 की वजह से कितना अमाउंट होगा, रुपीज 20 की वजह से मतलब रुपीज 20 के जितने भी नोट्स हैं उसकी वजह से कितना अमाउंट होगा और रुपीज 10 के जितने भी नोट्स हैं उसकी वजह से कितना अमाउंट होगा। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ नोट्स, ठीक, नंबर ऑफ नोट्स इनटू डिनोमिनेशन। अब ये क्या है, अभी पता चलेगा, परेशान ना हो बच्चों। देखो आप निकाल रहे हो किसके कारण, अमाउंट फ्रॉम रुपीज 5 नोट्स, मतलब रुपीज 50, तो रुपीज 50 के जितने भी नोट्स हैं उसकी वजह से कितना अमाउंट होगा, तो जवाब है नंबर ऑफ नोट्स, किसके नंबर ऑफ नोट्स किसके, 50 के। बताओ 50 के कितने नोट्स हैं, 3x नोट्स। ओके, सो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 कितने, 3x इनटू डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब होता है वैल्यू, नोट की वैल्यू, एक नोट की वैल्यू कितनी होती है, रुपीज 50। अरे भाई बच्चों 50 रुपीज का नोट है आपके पास, मैं पूछूंगा बताओ इसका वैल्यू कितना, आप बोलोगे रुपीज 50। हाँ, तो डिनोमिनेशन में ना वैल्यू लिखते हैं हम नोट की, ठीक। तो 50 रुपए के नोट की वैल्यू 50 रुपए, 20 रुपए के नोट की वैल्यू कितना, 20 रुपए, 30 रुपए के, 30 रुपए का तो नोट ही नहीं, 100 रुपीज के नोट की वैल्यू 100 रुपीज, ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। सो डिनोमिनेशन की जगह हमने लिखा नोट के, नोट मतलब एक नोट की वजह से कितना वैल्यू होता है, रुपीज 50 होता है। लो ये रुपीज का सिंबल है, परेशान मत होना, ठीक। अब रुपीज का सिंबल आगे लिख लो क्योंकि अमाउंट तो रुपीज में ही आएगा ना, और ये जो 3x है इसको 50 से मल्टीप्लाई, बेटा इस रुपीज से मत कंफ्यूज हो जाना, नहीं लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मैं लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि टोटल नोट्स 50 के 3x हैं और एक नोट की वजह से रुपीज 50 अमाउंट होता है, ठीक है। सो 3x नोट की वजह से कितना अमाउंट होगा, 3x इंटू 50, है ना। सो रुपीज 3x into 50, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3x into 50 का मतलब समझते हो, रुपीज ऐसे रहेगा, 3x का मतलब 3 into x into 50, ठीक। अब देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, x को ऐसे ही लिख दो, सो रुपीज, ध्यान दे बच्चों, 3 into 50 कितना होता है बेटा, 3 into 50 150, ओके। तो सुनो ध्यान से, इसका मतलब ये है बच्चों, आई एम वेरी सॉरी, 150 के साथ x भी तो आएगा बेटा, ध्यान से चेक करो, 3 into x, 3x का मतलब 3 into x into 50, ठीक, रुपीस ऐसे ही रहेगा, ओके, 3 into 50, 150, और साथ में x भी तो है, x को भूल मत जाना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो रुपीज 150x, मतलब 50 रुपीज की नोट्स की वजह से उसके पास कितना रुपया है, कितना अमाउंट है, रुपीज 150x। अभी क्या अमाउंट पता चला आपको असली में, 50 रुपीज की वजह से नहीं, x के टर्म्स में आ रहा है, और यही तो हमारा एम है, x के टर्म्स में, मतलब x का वैल्यू निकालना, यही तो हमारा एम है, ठीक है, ओके। नाउ इसी तरीके से बच्चों हमने आपको बोला सेकंड अमाउंट फ्रॉम रुपीज 20 नोट्स, बताइए बच्चों 20 रुपीज के नोट्स की वजह से उसके पास कितना अमाउंट होगा, तो जवाब है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 20, यानी कि रुपीज 20 के जितने नोट्स होंगे इनटू डिनोमिनेशन, ठीक, इनटू डिनोमिनेशन, कुछ नहीं करना है, चेक करो 20 के कितने नोट्स हैं, 5x, तो नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 20 कितना हो गया, 5x, फिर इनटू लगा देंगे, और डिनोमिनेशन मतलब रुपीज 20 के एक नोट की वैल्यू कितनी होती है, रुपीज 20, तो यहाँ हम लिखेंगे रुपीज 20, अब इज इक्वल्स टू, ये रुपीज का सिंबल आगे आ जाएगा, ठीक, और क्या करेंगे 5x into 20, अब आप चेक कर लो बच्चों 5x का मतलब क्या, चेक करो ना बेटा 5x into 20, ठीक। सो और 5x मतलब होता है 5 into x, नाउ 5 into 20 करेंगे कितना आएगा, 100, और साथ में क्या आएगा, x आएगा, सो 100, x को भूल मत जाना, नहीं सवाल गलत हो जाएगा, तो रुपीज 100x है, किसकी वजह से, इतना अमाउंट है 20 रुपीज के नोट्स की वजह से, ठीक। सिमिलरली बच्चों व्हाट थर्ड अगर हम लिखेंगे, क्या अमाउंट फ्रॉम रुपीज 10 नोट्स, 10 नोट की वजह से बच्चों कितना अमाउंट होगा, चेक कर लो, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो लिख ही देता हूं एक बार और, है ना, नंबर ऑफ नोट्स लिखो 10 के कितने नोट्स हैं इनटू डिनोमिनेशन लिख दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो बताओ बच्चों नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 10 के कितने नोट्स आए, याद करिए रुपीज 10 के कितने, इतने, और उसको ब्रैकेट में लिखना भैया प्लीज, ठीक है। सो नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 20 के कितने हैं, सॉरी रुपीज 20 के कह रहा हूँ, रुपीज 10 के कितने नोट्स हैं, 25 - 8x, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, सो मल्टीप्लाई इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा ना बच्चों, ठीक, इनटू व्हाट डिनोमिनेशन, मतलब रुपीज 10 के एक नोट की वैल्यू कितनी होती है, रुपीज 10, सो रुपीज 10, अब ये रुपीज आ जाएगा आगे, है ना, सो रुपीज आ जाएगा आगे, और 10 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, बेटा देखो दिस
इंटू 10 करो या 10 इंटू दिस करो, बात कैसे में तो 10 इंटू 25 माइनस 8x कर दो, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए बच्चों, प्लीज़ आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक, नोट करिए प्लीज़ बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ, कर लिया, ठीक, चलो अब ध्यान से सुनो, याद रखना कि यहाँ पे कॉलम बना देता हूँ, समझो जरा, यहाँ पे मैं ना अमाउंट लिख दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट लिख दे रहा हूँ, ठीक, ₹50 के 3x नोट्स थे, ये देखो ये हो गया डिनोमिनेशन, ये हो गया डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन मतलब उसकी एक नोट की वैल्यू कितनी है ना, डिनोमिनेशन, और ये वाला कॉलम हो गया किसको बता रहा है, नंबर ऑफ नोट्स को, ठीक, और ये बता रहा है कि जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं उसकी वजह से अमाउंट कितना आ रहा है, तो सुनो ₹50 के 3x नोट्स थे और ₹50 के 3x नोट्स की वजह से अमाउंट कितना आया था, ₹150x, तो यहां हम क्या फिल करेंगे, ₹50 के 3x नोट थे इसकी वजह से अमाउंट कितना है, 150x रुपीज में, अमाउंट इन रुपीज, ओके ध्यान रखना, नाउ ₹20 के 5x नोट्स थे और इसकी वजह से अमाउंट कितना आ रहा था, ₹100x, और ₹10 के 25 माइनस 8x है नोट्स है और इसकी वजह से अमाउंट कितना आ रहा है वो भी हम निकालने जा रहे हैं, निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे देखो अमाउंट फ्रॉम ₹10 नोट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नोट्स इनटू डिनोमिनेशन, सो दिस इनटू दिस मींस 10 इनटू दिस, सॉल्व करिए, सो ₹10 जाएगा ना बच्चों, फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा और फिर माइनस लगाएगा सेकंड टर्म में भी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगा रहे हैं, ओके, सो 10 इंटू 25, उसके बाद माइनस कॉपी करेंगे और 10 इंटू क्या करेंगे 8x, ओके ये हो गया, नाउ स्टूडेंट्स रुपीस, अब ध्यान दें 10 इंटू 25 क्या होता है 250, इतना तो सभी को पता होगा, 25 इंटू 10 250 माइनस 10 इंटू 8 तो बच्चों 80 होता है भाई, 10 इंटू 8 और साथ में क्या आएगा x, लो ठीक है, यानी कि 250 माइनस 80x, ठीक है, ये अमाउंट है किसकी वजह से, ₹10 के 25 माइनस 8x नोट्स की वजह से, तो अमाउंट कितना है 250 माइनस 80x, ओके स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चों, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट कर लिया, चलो अब देखिए बच्चों ध्यान देंगे ज़रा, अब हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई उसके पास टोटल कितना था, टोटल अमाउंट कितना था 590, यानी कि अगर हम इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए 590 के इक्वल, मतलब हम उसको किसके इक्वल रख देंगे 590 के इक्वल, ठीक है, क्यों रख देंगे सर, बच्चों समझो, एक तो उसने टोटल अमाउंट बताया और एक मैं निकालूंगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस दोनों इक्वली तो होने चाहिए, ठीक, ओके नाउ ध्यान से चेक करो, हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना है 590, तो हमने बोला कि भाई टोटल अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, हमें टोटल अमाउंट मिलेगा अगर हम अमाउंट फ्रॉम ₹50 मतलब ₹50 की नोट्स की वजह से कितना अमाउंट है और प्लस अमाउंट फ्रॉम ₹50 नोट्स लिखना चाहिए था ₹50 नोट्स, ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, अमाउंट फ्रॉम ₹50 नोट्स प्लस अमाउंट फ्रॉम ₹20 नोट्स और प्लस अमाउंट फ्रॉम, ओहो छोटा पड़ गया ये जगह बच्चों, देखिए यहां पे करते हैं, ठीक, अमाउंट फ्रॉम ₹50 नोट्स और प्लस छोटा लिख रहा हूं थोड़ा एडजस्ट करना, अमाउंट फ्रॉम ₹20 नोट्स और प्लस अमाउंट फ्रॉम ₹10 नोट्स इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट, है ना, टोटल अमाउंट यही होना चाहिए, ठीक, नाउ अब इसमें वैल्यू रखो, हाँ भाई अमाउंट फ्रॉम ₹50 नोट्स 50 नोट्स की वजह से कितना अमाउंट है 150x, ₹150x, तो यहाँ लिखेंगे 150x प्लस अमाउंट फ्रॉम ₹20 नोट्स की वजह से अमाउंट कितना हो जाएगा 100x, ठीक,
सो यहाँ आएगा 100x प्लस अमाउंट फ्रॉम रुपीज 10 नोट्स, 10 नोट्स की वजह से कितना आएगा 250 माइनस 80x, सो 250 माइनस 80x ठीक, और इज इक्वल्स टू तीनों के कारण जो अमाउंट है उसको ऐड करके टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 590, सो इज इक्वल्स टू हम रख देंगे इसके इक्वल 590। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो यहां से हो जाएगा 150x और प्लस 100, देखो आप साफ साफ देख रहे हो बच्चों, ये दोनों को आप ऐड कर सकते हो, ऐड कर लो, सिंपली ऐड करो, चलो 150x प्लस 100x कितना होगा, 150 प्लस 100 कितना होता है 250, सो ये दोनों ऐड होकर कितना हो गया, ये दोनों ऐड होकर 250x हो गया और प्लस बचा है लगा देंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, प्लस है तो ब्रैकेट ऐसे ही ओपन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आगे माइनस होता तो ब्रैकेट ओपन करते टाइम अंदर के साइन चेंज कर देते, तो प्लस कितना है 250 और माइनस 80x और इज इक्वल्स टू कितना है 590। ओके स्टूडेंट्स नाउ अब ध्यान दें, अब इसमें आप क्या करो और लिख दो यहाँ पर है ना, सो और अब ध्यान दो इसमें लाइक टर्म्स को पास पास लाओ, ये 250x है और ये माइनस 80x है, पास पास लाओ ठीक है, 250x माइनस 80x और प्लस में क्या बचा 250। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस 80x को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, जी नहीं हम रीअरेंज कर रहे हैं बच्चों, ओके हम रीअरेंज कर रहे हैं, लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी ठीक है, ये हमने और एसोसिएटिविटी ये सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं ओके, सो 250 के पास माइनस 80x को लाए क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और प्लस 250 इज इक्वल्स टू 590। ओके नाउ सॉल्व करिए 250x माइनस 80x कितना हो जाएगा, 250 में से 80 माइनस करो कितना हो जाएगा 250 माइनस 80 करिए कितना हो जाएगा 0 माइनस 0 0 और 15 माइनस 8 7 और यहाँ बचेगा 1 सो आ गया कितना 170। ओके स्टूडेंट्स सो 250 माइनस यहाँ पे करूँ 250 माइनस 80 कितना हो गया 170x और प्लस 250 इज इक्वल्स टू व्हाट 590 ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए कितना आ गया नाउ, अब मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए बच्चों, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी प्लीज़, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ओके, वीडियो पॉज करके कॉपी करें बच्चे सभी प्लीज़, कर लिया चलो अब देखिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ से हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ चुकी है और इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ठीक, चलिए सो इक्वेशन इज लाइक दिस 170x और प्लस कितना है 250 इज इक्वल्स टू 590, तो हम क्या करेंगे 250 को राइट में भेज देंगे ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में 170x इज इक्वल्स टू 590 और 250 इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव होगा यानी कि माइनस 250 हो जाएगा ठीक। अब चलिए यहाँ पर हम माइनस करके आपको दिखाते हैं, सो 250 में से हम माइनस करेंगे सॉरी 590 में से हम माइनस करेंगे 250 को करिए 0 माइनस 0 0 नाउ 9 माइनस 5 होता है 4 और 5 माइनस 2 होता है 3 तो कितना आ जाएगा 340 पॉजिटिव में आएगा, चेक कर लो क्योंकि ये प्लस है ये माइनस प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का है ना, सो पॉजिटिव का कितना आ गया 340 ओके और लेफ्ट में क्या बचा हुआ है 170x ठीक। नाउ अब बच्चों 170x का मतलब क्या होता है, 170x का मतलब है 170 इंटू एक्स, अब x में 170 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, सो नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू आएगा कितना, नेक्स्ट स्टेप में x का वैल्यू कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू बच्चों 340 और डिवाइडेड बाय 170 इधर आके डिवाइड लगा देगा ठीक है। नाउ अब इतने समझदार तो आप भी हो बच्चों, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल होगा ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 34/17, अब 17 वन ज़ा 17 और 17 टू ज़ा कितना होता है 34 ओके, सो यहाँ से 2:1 यानी कि 2/1 यानी कि 2 आ गया करेक्ट स्टूडेंट्स, आ गया यानी कि x की वैल्यू आ चुकी है, तो x की वैल्यू हम यहाँ नोट कर लेते हैं कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू 2 आ गई है ठीक है। नाउ अब उसने हमसे पूछा था हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज, उसके पास ठीक है कितने कितने क्वाइन हैं, 50 नोट्स हैं, 50 रुपये के कितने नोट्स हैं ठीक, और 20 रुपये के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं ठीक है, सो 50 रुपये के कितने नोट्स हैं 3x, तो अब हम निकालेंगे क्या नंबर, NO का मतलब नंबर शॉर्ट में लिखा है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50, हाँ भाई बच्चों बताइए रुपीज 50 के कितने नोट्स हैं, चेक कर लो नंबर ऑफ नोट्स रुपीज 50 के कितने हैं 3x है ठीक, 3x का मतलब 3 × x ओके, नाउ वैल्यू रखिए 3 × x का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 2 आ गया, सो 3x का वैल्यू 2 रखा, 3 × 2 = 6 यानी कि बच्चों रुपीज 50 के आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे ठीक, आंसर लिख रहा हूँ यहाँ रुपीज 50 के कितने नोट्स हैं, रुपीज 50 के हैं बच्चों 6 नोट्स, 6
छह नोट है उसके पास रुपीज 50 वाले 1 2 3 4 5 6 ओके। नाउ इसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 20 रुपीज के कितने नोट्स है बच्चों चेक करिए 20 रुपीज के कितने नोट्स थे 5x है ना तो 5x यानी कि 5 × x यानी कि 5 × x का वैल्यू कितना आया है x का वैल्यू कितना आया था चेक करो 2 आया था x का वैल्यू 2 5 × 2 = 10 यानी कि बच्चों रुपीज 20 के कितने नोट्स हैं 10 नोट्स हैं कितने नोट्स हैं 10 नोट्स हैं ठीक इसी तरीके से रुपीज 10 के कितने नोट्स थे नंबर ऑफ नोट्स 25 − 8x ओके सो हमने निकाला यहां नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 10 कितना आ गया 25 − 8x है ये ध्यान देंगे प्लीज 25 − 8x है मतलब समझो 25 − 8x का मतलब क्या होता है 8 × x ठीक सो यहां से 25 − 8 × हाँ बच्चों x का वैल्यू देखिए कितना है x का वैल्यू कितना है 2 है ओके सो अब इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो आप लोग यहाँ पे मैं कर दूँ देखो जरा 25 तो ऐसे ही रहेगा और माइनस 8 × 2 = 16 नौ 25 − 16 कितना होता है बच्चों 9 होता है यानी कि रुपीज 10 के कितने नोट्स हैं 9 नोट्स हैं ठीक है सो ये रहा आपका आंसर रुपीज 5 के 6 नोट रुपीज 20 के 10 नोट्स रुपीज 10 के 9 नोट्स अगर आपको अपना आंसर चेक करना है ठीक है तो कैसे चेक करोगे अभी मैं आपको बताता हूं प्लीज नोट करिए पहले इसको नोट कर लीजिए कर लिया चलो देखो बच्चों आंसर कैसे चेक होगा आंसर इस तरीके से चेक होगा कि जो दी गई कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है चेक करो उसने बोला था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स एंड रुपीज 20 नोट्स इज 3:5 मतलब रुपीज 50 के जितने नोट्स हैं कितने 6 हैं और रुपीज 20 के जितने नोट्स हैं कितने 10 अगर इसका रेशियो लें तो 2 कितना आना चाहिए 3:5 चेक कर लो 2 × 3 = 2 आ तो रहा है भाई 3:5 ओके और याद करिए जब मैंने आपको बताया था याद है रुपीज 50 के कितने नोट्स माने थे आपने 3x और रुपीज 20 के आपने कितने नोट्स माने थे 5x ऐसा क्यों किया था पता है क्योंकि ध्यान से चेक करो रुपीज 50 के 5 नोट है रुपीज 20 के 10 नोट है अब चेक कर लो इसमें ये देखो जिस कॉमन फैक्टर की हम बात कर रहे थे वो कॉमन फैक्टर कौन सा है टू थ्री जा टू है ना 3 × 2 = 3 और ये हो गया कितना 5 चेक करो ठीक है 6 को क्या लिख सकते हो 3 × 2 और 10 को क्या लिख सकते हो 5 × 2 वो कॉमन फैक्टर जिसको हमने काटा था एक्स एक्स काटा था याद है ना वो कॉमन फैक्टर क्या है 2 है यानी कि x की वैल्यू क्या है 2 है ओके उसके बाद अगर आप देखें बच्चों तो 50 रुपीज के 6 नोट है तो 50 रुपीज की वजह से अमाउंट कितना होगा 6 × 50 भाई एक नोट का अमाउंट कितना होता है 50 तो 6 नोट का अमाउंट 6 × 50 प्लस 20 रुपीज के 1 नोट का अमाउंट कितना होता है 20 रुपीज 10 नोट्स का अमाउंट कितना होगा 10 × 20 ठीक और प्लस 10 रुपीज के 1 नोट का अमाउंट रुपीज 10 तो 9 नोट का अमाउंट कितना हो जाएगा 9 × 10 अब टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए टोटल अमाउंट आना चाहिए 590 अगर आ रहा होगा तो आपका आंसर सही है 6 × 50 कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 300 और प्लस 10 × 20 = 200 9 × 10 = 90 ओके ऐड कर लीजिए 300 + 200 = 500 + 90 रुपीज 590 बिल्कुल सही हमारा आंसर है बच्चों ओके यानी कि रुपीज 50 के 6 नोट रुपीज 20 के 10 नोट्स और रुपीज 10 के 9 नोट्स नाउ स्टूडेंट्स आपकी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज दी हुई है पेज नंबर 28 पे ओके दैट इज एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है टाइम लगेगा उसमें उसको अच्छे से हर एक वीडियो को डिटेल में देखिएगा ठीक है बच्चों क्योंकि एक क्वेश्चन को शायद करने के हम एक से ज़्यादा तरीके आपको बता दें वहाँ पर और आपके कॉन्सेप्ट वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे और ये वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट को चेक करना ना भूलें पिन कमेंट में प्लेलिस्ट में भी आप वीडियो आपको मिल जाएगा तब तक के लिए पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए ऑल द बेस्ट